हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी 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 एस सी मैने विस नायक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द लार्जेस्ट यू प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यू पी एसी सी एस के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग आज के क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द एन सी आर टी सॉरी द पानीपत सीरीज जो हमने पिछले क्लास के अंदर शुरू किया था है ना तो आप सभी का स्वागत है यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म हम लोग ने पिछले क्लास में एक पानीपत का सेशन देखा था आज एक्चुअली हम लोग ये पानीपत के तीनों के तीनों सेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड पानीपत में ही क्यों तीनों की तीनों की लड़ाइयाँ हुई थी वो जो टॉपिक था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे है ना तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द क्लासेस क्लास टुडे एंड मी अलोंग विथ माय द फाइनेस्ट टीम द बेस्ट एजुकेटर फॉर यूपीएससी सीएससी आप सबके लिए लेके आए हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल के ऊपर साथ अन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर फंटास्टिक क्लासेज यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एस ऑन द एप्लीकेशन इनफैक्ट ये प्रश्न हमने कल के क्लास के अंदर देखा था आज इसी को ही कंटिन्यू करें बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपको इनफॉर्मेशन देना चाहूँगा मेरे बारे में अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में खैर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं यू हैव बीन नोइंग दैट आई बीन टीचिंग सिंस लास्ट सेवन ऑलमोस्ट आठ साल अब तो खत्म हो गए हैं ब्रीफली वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और खासियत यह है कि आई ऑलसो टीच ऑन अन प्लस प्लेटफॉर्म अन अकेेडमी का जो पेड प्लेटफॉर्म है जिसे प्लस प्लेटफॉर्म के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं यह प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैं पढ़ाता हूँ और ये प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन वाले क्लासेस मिलते हैं यू टेक वन ईयर सब्सक्रिप्शन और वन एंड हाफ ईयर सब्सक्रिप्शन एंड यह सब्सक्रिप्शन के द्वारा आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कर सकते हो तो कभी कभी यह होता है कि ऑन द यूट्यूब साइड वी आर नॉट एबल टू इंट्रैक्ट मच बट ऑन दी प्लस प्लेटफॉर्म वी विल भी एबल टू इंट्रैक्ट इन अ वेरी फंटास्टिक वे तो आप मोस्ट वेलकम है आप जाइए हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑन दी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म उसके लिए सब्सक्रिप्शन की फीस आपको लगेगी अभी आज की तारीख में जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो विथ फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्रू रूपीज यू कैन एक्स्ट्रा गेट टेन परसेंट ऑफ बाई यूजिंग दिस कोड पी एन लाइफ मेरी ऑप्शनल की बैच चल रही है जी एस ऑप्शनल का पेपर वन चल रहा है एंड वेरी सून वील बी स्टार्टिंग विद ऑप्शनल पेपर टू एज वेल सर है ना तो आपका जो अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है इफ़ योर सब्जेक्ट इज हिस्ट्री ऑप्शनल और आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर और इनफैक्ट जुड़ने के लिए आपको फीस की आवश्यकता भी नहीं है मैं तो ये कहूँगा कि आप एवरी संडे हमारी स्कॉलरशिप एग्जाम दीजिए जिसका नाम है अन एकेडमी एक ऐसा एसा टेस्ट जहां पे आपको फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन मिलेंगे दिसंबर को एक कॉम्बेस्ट हो गया है सेकेंड जनवरी को होगा जहां पे आप रैंक वन टू थ्री लेके आएंगे ये कॉम्बेट के अंदर तो यूल गट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप फ्रॉम दियन अकेडमी साइड है ना कॉम्बेट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है आपको खाली और खाली ये डिस्क्रिप्शन ये डिस्काउंट कोड को यूज करना पी एन लाइव को और आपको यहाँ पे 10% परसेंट ऑफ मिल जाएगा बाकी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो वैर यू कैन गेट मेंटर यू विल गेट अ स्टडी प्लावर यू प्लानर यू विल गेट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस यू विल गेट एवरी डिस्कस विद द एजुकेटर्स एज वेल लोन फैसिलिटी अवेलेबल है उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है आप लोन के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं उसके सिवाय हमारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस मैंने आपको जी और आइकॉनिक के बारे में बताया है जी की सब्सक्रिप्शन की फ़ीस जो है प्लस की वो वन ईयर की है अराउंड फोर्टी थाउजें के आसपास आपको पड़ेगा सर ठीक है ना सो यू विल फाइंड कि फिफ्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी एन आफ्टर यूजिंग दिस कोड इट विल बी कमिंग बैक टू फोर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन वन सर है ना तो ये कोड को आपको यूज करना है आप आइकॉनिक भी ले सकते हो एक साल दो साल के लिए अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिल जाएगी बाकी ऑप्शनल का कोर्स मेरा चल सकता है चल रहा है आप ये ऑप्शनल के कोर्सेज के अंदर भी हमारे साथ जुड़िए एंड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट इनफैक्ट uh, हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऑन दी अकेडमी एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन द यूट्यूब साइड हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आ रहे हैं सर ठीक है ना तो बने रहिएगा डिड यू गेट द न्यूज़ है ना स्टे ट्यून एंड स्टे वॉम एज वेल ओके वेरी सुन विल गेट एन अपडेट फॉर यू बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है, है ना तो प्लीज़ जॉइन एस ये न्यूज़ के लिए आप ज़रूर से जुड़िएगा खैर चलते हैं आज के क्लास के अंदर और देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों पानीपत में ही इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई थी सर ठीक है तो कल के क्लास में हमने फर्स्ट पानीपत को पढ़ा था है ना तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी थे जो कल के क्लास के अंदर अटेंड कर रहे थे मैनी स्टूडेंट्स वर देयर हु हैड अटेंडेड द क्लासेस टू यस्टरडे एंड उनको ये आइडिया रहा होगा कि पानीपत में ही क्यों लड़ाइयाँ होती है सर है ना पानीपत में ही तीन लड़ाइयाँ होने के पीछे के कारण क्या क्या थे वॉट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल वाई द थ्री बैटल्स टू प्लेस इन पानीपत ओनली है ना तो आज के क्लास में उसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम लोग चले जाएंगे सेकेंड पानीपत के अंदर आज हम लोग चले जाएंगे सेकेंड पानीपत के अंदर और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पानीपत में ही क्यों लड़ाइयाँ हुई और पानीपत में लड़ाई होने के बाद इनफैक्ट पहली पानीपत की लड़ाई कल के क्लास के अंदर हमने देखी थी आज हम लोग समझेंगे कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की क्या कहानी है सर है ना सो वॉट इज अ स्टोरी फॉर द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये क्यों होती है उसके पीछे के क्या क्या फैक्टर्स हुआ करते थे और क्या फर्स्ट पानीपत और सेकंड पानीपत इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है सर है ना इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आर इंटरकनेक्टेड और नॉट ओके तो आपको चार क्वेश्चन यहाँ पानीपत के अंदर पूछने हैं अपने आपको कि ये क्यों हुई थी ये कब हुई थी ये कैसे हुई थी और इसका परिणाम क्या हुआ था व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ दैट है ना तो कल हमने इनफैक्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन किया था और आपको बताने की कोशिश की थी कि पहले पानीपत के पीछे के कारण क्या क्या थे है ना तो अगर आपने पिछला क्लास अटेंड किया होगा मेरा मतलब येस्टर्डेज क्लास तो वी हैड डिस्कस द रोल ऑफ बाबर वर्सिज इब्राहिम लोदी सर है ना हमने आपको उसके पीछे के फैक्टर्स बताए थे वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द फैक्टर्स बिहाइंड वाई इब्राहिम लोदी वॉन्टेड टू लाइक नो वाई बाबर वॉन्टेड टू एंटर इंडिया और हाउ इब्राहिम लोदी वॉज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट सर ठीक है तो हमने इसके इवेंट्स भी देखे हैं कि पानीपत में हुआ था क्या सर है ना हाउ इट ऑल हैपन सर है ना और ये हाउ इट ऑल ऑल हैपन के अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि किन परिस्थितियों में यहाँ पे पानीपत के अंदर घटनाएं बनती है और आखिर के अंदर हमने ये भी समझा था कि इसका परिणाम क्या आता है वॉट वॉज दी आउटकम ऑफ दैट है ना इसके परिणाम बस जब हम लोग समझेंगे वैन विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी आउटकम ऑफ दी पानीपत विल ऑल्सो मेक श्योर कि द बैटल ऑफ पानीपत विल क्रिएट एन इम्पैक्ट द बैटल ऑफ पानीपत विल क्रिएट अ सच एन आउटकम वेयर वी डू सी दैट बाबर विल बी क्रिएटिंग एन एम्पायर बाबर विल बी इवेंचुअली मेकिंग एन एम्पायर इन इंडिया सर ठीक है ना तो ये सब पॉइंट्स को हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखा था आज के क्लास के अंदर हम लोग फर्स्ट पानीपत के बाद सेकेंड पानीपत में क्या हो रहा है उन सब के पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई के बाद एग्जैक्टली exactly क्या होता है कि जिसके कारण सेकेंड पानीपत की तरफ दुनिया चली जाती है या ये देश चला जाता है सर ठीक है ना सो इवन आफ्टर द फर्स्ट पानीपत द सेकेंड पानीपत वॉज एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट पानीपत आप सुनिए मेरी बात सर है ना मैं आपको फिर से व्हाइट बोर्ड के कंसेप्ट के ऊपर आज लेके चला जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि व्हाइट बोर्ड का अप्रोच और मेथडोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है समझने के लिए और समझाने के लिए भी राइट सर ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे वट विल डू टूडे सर है ना हम फिर से वही व्हाइट बोर्ड की मेथड के ऊपर चले जाएंगे सर ठीक है अब आप याद करिए पिछले क्लास को मैंने आपको बताया था कि अप्रैल 1526 के अंदर सर है ना अप्रैल 1526 के अंदर व्हेन वी सी द होल पिक्चर विल फाइंड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विल टुक प्लेस सर ठीक है तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की जो कहानी है ये मैंने आपको कल के क्लास के अंदर पढ़ा दी है सर ठीक है एक्चुअली मुझे आपको ये बताना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ उसके कंटिन्यूएशन में ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है सर सुनिए मेरी बात जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है उसके कंटिन्यूएशन में ही यू विल फाइंड कि बाय अक्टूबर नवंबर 1556 एग्जैक्टली exactly आफ्टर 30 इयर्स यू विल सी द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत विल टेक प्लेस सर गेडिमा पॉइंट ओके तीसरी पानीपत के लिए बहुत टाइम है क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होगी वो होगी आपकी सेवनटीन में सर है ना तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब कल के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे सर ठीक है आज हम लोग अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टू द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टू प्लेस सर है ना समझिए आप मेरी बात को सुनिए सर आपको ये समझना है कि पहले पानीपत से दूसरे पानीपत की तरफ ट्रांजिशन कैसे हुआ है और ये पहले पानीपत कैसे दूसरी पानीपत के साथ लिंकअप है सर ठीक है ना तो वो गाना भी बसता है मैं पानी पानी हो गया सर ठीक है न? तो यहाँ पानीपत में आपको कंटिन्यूसली पानी पानी मिलता रहेगा सर समझे आप लोग ओके तो समझते हैं कि किन घटनाओं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल uh, थी uh, ये सेकेंड पानीपत क्यों हो रहा है और किस तरह से इवेंट्स हो जाते हैं उसके अंदर से किस किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं सर है ना एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ दिस सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अब देखिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की कहानी आपको मुझे समझानी होगी तो आपको मोटे मोटे तौर के ऊपर आइडिया रहेगा कि एक साइड के ऊपर अकबर की सेना और दूसरे साइड के ऊपर हेमू की सेना हुआ करती थी और अकबर और हेमू की सेना का आमना सामना हुआ तो देन यू विल फाइंड इट विल लीड टू द सेकंड पानीपत राइट ओके तो सेकंड पानीपत का कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा कि इसमें दो ताकतें हुआ करती थी एक साइड के ऊपर मुगल्स और दूसरे साइड के ऊपर हेमू था हेमू एक्चुअली अगर आप समझोगे तो अफगान्स की तरफ से फाइट कर रहे थे सर है ना सो so ही वॉज लीडिंग द अफगान आर्मी एंड द अफगान कंटीजेंट तो आप समझिए कि अफगान्स कौन हुआ करते थे और अफगान्स ने क्यों अकबर के सामने युद्ध की घोषणा की 30 साल के बाद, बाद बाबर भारत में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है और बाबर के एस्टैब्लिशमेंट के थर्टी ईयर्स के बाद अफगान्स कैसे पावर के ऊपर आ गए सर है ना और ये अफगान्स ने क्यों इनफैक्ट है ना मुगल साम्राज्य को फिर से हिलाने की कोशिश की है सर ठीक है अगर बाबर 1526 के अंदर कंसोलिडेट कर चुका है अप्रैल महीने के अंदर अगर फर्स्ट पानीपत ऑलरेडी हो चुकी है सुनिए मेरी बात अगर फर्स्ट पानीपत ऑलरेडी हो चुकी है तो किन परिस्थितियों का सर्जन हुआ था कि इवेंचुअली थर्टी ईयर्स के बाद मुगल्स फिर से अफगानों के साथ लड़ने के लिए मजबूर हो गए वट सर्कमस्टेंसिस लेड टू द मुगल्स फाइटिंग अगेंस्ट द अफगान वन मोर टाइम इन 1556 क्योंकि यहाँ जब फर्स्ट पानीपत हुई, मतलब हुई तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी भी अफ़गान ही था सर ठीक है मतलब ये है कि पहली पानीपत में जब यहाँ पे लड़ाई हुई तो बाबर एम्पायर मेकिंग नहीं कर पाया था सर तीस साल तक अफगानों का त्रास अफगानों का स्ट्रेस कंटिन्यू बनता रहता है मुगल एम्पायर के ऊपर मेरी बात सुन रहे आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू For the 30 years of the time frame, we do get instances that the Mughal Empire is still getting threatened by the Afghan forces. And this is one of the reasons you will find कि बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को पराजित किया और बाबर 1526 से लेके 1530 तक शासन कर रहा है पर इस पीरियड के बाद भी अफगानों की दुश्मनावट मुग़लों के प्रति ख़त्म नहीं हुई थी और अफ़गानों ने डिसाइड किया था कि हम मुग़लों को भारत से खदेड़ के रहेंगे और इसके कारण 1530 के बाद जब हुमायूं पावर के ऊपर आया तो हुमायूं ने अफगानों के जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है 1530 से लेके 1540 तक का जो पीरियड अगर आप समझने की कोशिश करें इस पीरियड में हुमायूं कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है 1540 से 1555 तक का पीरियड तो ऐसा पीरियड रहा है जहाँ पर हमायूँ खुद एग्जाइल में चला गया था वो खुद यहाँ से ईरान और अफ़गानिस्तान में उसको शरण लेनी पड़ी थी और इवेंचुअली आप समझिए कि 1540 से 1555 तक आते आते विल फाइंड अ न्यू एम्पायर विच इज़ क्रिएटेड दैट इज़ नॉन एज अ सूरी एम्पायर सर तो आपको ये थीम देखनी है आपको ये 30 साल का जो पीरियड है ये 30 साल के पीरियड को एक ब्रीफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि सेकेंड पानीपत के पीछे के कारणों में जो मुख्य कैरेक्टर हुआ करते थे एक साइड के ऊपर मुगल्स और दूसरी साइड के ऊपर अफगान ये दोनों तो ऑलरेडी पहले भी लड़ चुके हैं इन दोनों के बीच में जो पहले लड़ाई हुई थी ये पहले लड़ाई का परिणाम तो ये आ चुका था कि मुगल जीत गए हैं अगर मुगल जीत गए हैं इफ द मुगल्स है नीड ऑफ हैविंग वन मोर पानीपत ऐसा तो क्या हो गया कि मुगल्स को फिर से प्रॉब्लम हो गई और उनको फिर से पानीपत करनी पड़ी तो ऐसा कहते हैं कि एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस बाबर ने फर्स्ट पानीपत में शुरू किया था द प्रोसेस ऑफ एम्पायर बिल्डिंग स्टार्टेड इन द फर्स्ट पानीपत बट इट गॉट कंक्लूडेड इन द सेकेंड पानीपत द एम्पायर बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्टेड इन द फर्स्ट पानीपत बट इवेंचुअली इट गॉट कंक्लूडेड इन द सेकेंड पानीपत साम्राज्य बनाने का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया था ये प्रक्रिया पहले पानीपत से शुरू हुआ था और इसका अंत जो है वो दूसरे पानीपत तक आते आते खत्म हुआ सर सो इट्स अ वेरी लॉन्ग लेंथी एंड टीडियस प्रोसेस हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ दो ताकतें एक आपकी थी अकबर की सेना और दूसरी थी हेमू की सेना हेमू जो मूल तहत से अफगान जनरल के रूप में अफगान मंत्री के रूप में क्यों फ़ाइट करने की शुरुआत करते हैं ऐसा तो क्या हो गया था कि यहाँ पे जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कमज़ोर हुआ और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कमज़ोर होने के कारण वी डू गेट instances दैट दी अफगान्स विल बिकम once again पावरफुल सर ठीक है तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट ये लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट को करते हुए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बाबर के तीस साल का पीरियड जो है बाबर ने कंसोलिडेट कब किया था 1526 के अंदर सर ठीक है ना बाबर ने कब करना शुरू किया था 1526 में बाबर का टाइम फ्रेम क्या रहा है और ये टाइम फ्रेम से एक एक करके इवेंट्स को समझेंगे और इवेंट्स के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सेकंड पानीपत की तरफ दुनिया कैसे चली गई सर ठीक है ना अगर आपको सेकंड पानीपत के पीछे के दो मुख्य नायकों की कहानी आपको समझनी है मतलब एक साइड के ऊपर अकबर जिनकी तरफ से आप देखोगे तो बैरम खान फाइट कर रहे थे क्योंकि अकबर तो खुद बहुत छोटे बच्चे थे दूसरे साइड के ऊपर हेमू जो अफगानों के मंत्री के रूप में अफ़गानों के जनरल के रूप में फ़ाइट कर रहे थे अगर इनकी फाइटिंग्स को अगर इनकी आपको लड़ाइयों को देखना भी है इवन इफ़ यू वांट टू सी द फाइट यू वांट टू सी द बैटल्स हाउ इट ऑल ट्रांसफर्ड आपको पीछे जाना पड़ेगा और पीछे कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आज के क्लास को आज के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे पीछे आउटकम ऑफ द फर्स्ट पानीपत के साथ जो हमने कल के क्लास में देखा था पर आज मैं आपको आउटकम ऑफ फर्स्ट पानीपत को दिखाऊंगा कि कैसे बाबर के लिए चैलेंजेस क्रिएट करवा रहा है सर ठीक है ना तो बने रहिए मेरे साथ एकदम पूरा फंटास्टिक आज हमारा क्लास रहेगा और मैं आपको सेकेंड पानीपत के अंत तक लेके जाऊंगा फिर से हम लोग आज के क्लास के अंदर दो घंटा निर्धारित पने से चर्चा करेंगे विस्तृतपने से देखेंगे कि क्या घटनाओं का द्वारा अंजाम दिया जाता है और कैसे चीजें बढ़ती है आगे सर ठीक है ना अब लेट्स सी एंड लेट्स प्रोसीड कि वॉट हैपन सर ठीक है अब आप देखिए कि वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत सर ठीक है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अगर आप समझने की कोशिश करिए एक ऐसी लड़ाई थी जहां पे दो प्रमुख ताकतें फाइट कर रही थी और टू बिग एंटिटीज दैट वॉज फाइटिंग सर ठीक है द फर्स्ट बिग एंटिटी दैट वॉज फाइटिंग वॉज द मुगल्स एंड मुगल्स वर एक्चुअली हेडेड बाई अकबर बट अकबर वॉज वेरी यंग और इसके लिए अकबर की जो पूरी की पूरी सेना है वो कौन चला रहा था वो चला रहा था बैरम खान सर ठीक है ना गेडिमा पॉइंट और दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे अफगान्स अफगान्स की तरफ से अगर आप समझिए कि फाइट करने वाली जो एंटिटी थी या जो लीडर थे वो थे हेमू हेमू वॉज अ हिंदू बनिया आई वुड से मर्चेंट हु रोज टू द पोजिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कम वजीर कम जनरल कम सेनापति कम ईच एंड एवरी थिंग सर है ना तो ये घटना इनफैक्ट पंद्रह सौ छप्पन के नवम्बर महीने में होती है अब सवाल ये है कि इसके पीछे के कारण क्या क्या थे वॉट रीजन्स वॉर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट सर है ना और जब हम लोग रीजन्स को ही हम इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं तो इनके रीजन्स के अंदर हमको पहला रीजन देखने को मिलता है द आउटकम ऑफ द फर्स्ट पानीपत सुनिए मेरी बात द आउटकम ऑफ द फर्स्ट पानीपत इज़ पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड पानीपत सर है ना पानीपत की पहली लड़ाई का जो परिणाम है वो दूसरी लड़ाई की तरफ भारत को लेके जाता है सर ठीक है अब ऐसा तो क्या हुआ था आउटकम ऑफ द फर्स्ट पानीपत के रूप में जो इतिहास को सेकेंड पानीपत की तरफ लेके जाने की मजबूर कर रहा था सर तो अगर आप याद करिए कि पहले पानीपत के बाद बाबर ने अपने आप को बदल दिया था और बाबर ने अपने आप को बादशाह का टाइटल देते हुए कहा था कि भाई मैं तो शहनशाह हिंदुस्तान हूँ सर ठीक है ना सो बिकॉज आई एम शहनशाह हिंदुस्तान तो आई विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी इन इंडिया और फिर अब मैं यहाँ पे ही बैठने वाला हूँ सर ठीक है सो आई नॉट लीव फ्रॉम इंडिया आई विल बी स्टेइंग बैक इन इंडिया एंड आई विल बी यूनिफाइंग माई किंगडम ऑफ काबुल एंड इंडिया काबुल और भारत मतलब जहाँ से बाबर आया था सर भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसने कहा कि अब मैं सब कुछ एक कर रहा हूँ सर ठीक है तो बाबर ने जब साइन सा हिंदुस्तान का टाइटल दिया अपने आप को वो ऑलरेडी बादशाह के रूप में स्थापित हो चुका है तो बाबर को बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं और चैलेंजेस क्या थी भारत के जो नेटिव रूलर्स थे ये नेटिव रूलर्स बागर के सामने बगावत करने की निर्धारित करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट बाबर एज अवर किंग हम तो इसके पहले जब लोधीज़ रूल किया करते थे तो हमने तो उनके सामने भी बगावत कर दी थी इवन द लोधीज वूअर रूलिंग ओवर अस वी ऑल्सो रिबेल्ड अगेंस्ट देम अगर हमने लोधियों के सामने बगावत की थी तो ये बाबर नया नवेला अफगानिस्तान से आके अपने आप को साइनसा हिंदुस्तान कहता है और ये भाई साहब अपने आप को कहता है कि भाई मैं यहाँ पर भारत का शासक बनने आया हूँ तो क्या नेटिव रूलर्स आपको एक्सेप्ट करेंगे सर तो नेटिव रूलर्स ने रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू किया था और भारत के नेटिव रूलर्स के अंदर यहाँ पे कुछ कुछ अफगान रूलर्स भी हुआ करते थे जिनको पसंद नहीं आ रहा था और इन्होंने भी डिसाइड किया कि हम बाबर के सामने बगावत करेंगे सर यह अफगानों का जो ट्रेंड है ये ट्रेंड 1556 तक भी चलता रहा जिसके कारण सेकेंड पानीपत की शुरुआत हुई तो आपको दो मिनट के अंदर खाली एक नक्शे के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाबर ने जब कंसोलिडेट किया था 1526 में तो इमीडिएटली बाबर के सामने बहुत सारी तकलीफ़ें उभर के आई थी देर वॉर सो मैन सो मनी प्रॉब्लम्स दैट बाबर फेसिंग सर होता यह है कि बाबर वॉज नो डाउट एबल टू कंसोलिडेट डेली बाबर वॉज एबल टू कंट्रोल आगरा डेली और आगरा कंट्रोल करके जैसे ही बाबर ईस्ट इंडिया में आता तो यहाँ के अफ़गान रूलर्स ने कह दिया था कि हम आपको नहीं स्वीकारेंगे आपने हमारे अफ़गान शासक को दिल्ली से हटाया है पर हम तो उत्तर पूर्व के और हम लोग ईस्टर्न पार्ट के बेसिकली रूलर्स है वी विल नॉट एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी इन हियर इन अफ़ग़ानों के अंदर इब्राहिम लोदी का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था महमूद लोदी। और महमूद लोदी ने बाकी सारे यहाँ के लोकल अफ़ग़ान चीफ को इकट्ठा कर दिया था और कहा था कि वी नीड टू तो फाइट हमको यहाँ पे फ़ाइट करना पड़ेगा ये लोकल अफगान चीफ्स की बात करेंगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड अ चीफ कॉल्ड लोहानी यू विल ऑल्सो फाइंड द सहाँ पे आपको सूर भी दिखेंगे वही शेर शाह सूरी की बात कर रहा हूँ मैं जिनकी फैमिली इस पीरियड के समय पे ईस्टर्न इंडिया के अंदर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है सर दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दे आर ट्राइंग टू इन फैक्ट है ना कमिंग इन टू द पिक्चर एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई वी विल नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ बाबर तो ईस्ट इंडिया हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ पोजीशन सर बिहार एंड बंगाल वी कैन से द रीजन ऑफ बिहार एंड बंगाल हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ पोजिशन वेयर दे आर रेडी टू डू काइंड ऑफ रिबेलियस एक्टिविटीज वो कह रहे हैं कि हम कुछ कर देंगे सर ठीक है इधर अगर आप बात करेंगे इन सेंट्रल इंडिया विल फाइंड द किंग्स लाइक मेदनी राव जो कह रहे हैं कि भाई वी विल नॉट एक्सेप्ट दी ऑथॉरिटी ऑफ बाबर ही वॉज सपोर्टेड बाय द राजपूत एंड हीयर इन दिसक एरिया ऑफ द राजस्थान अगर आप आज के राजस्थान के राजपूताना एरिया में देखेंगे तो राजस्थान के अंदर भी हमको ये पता चल रहा है दैट द राजपूताना स्टेट्स आर डोमिनेटिंग एंड वेन द राजपूताना स्टेट्स आर डोमिनेटिंग सर है ना जब यहाँ पर राजपूताना स्टेट्स डोमिनेट कर रहे हैं तो हियर यू विल फाइंड राना संगा जिन्हें राना संग्राम सिंह के रूप में भी पहचानते थे वो भी कह रहे हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द अथोरिटी ऑफ मुगल्स तो कहानी ये है कि बाबर को कंटीन्यूसली अब समझ में आ रहा था कि मेरे लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं और यही चैलेंजेस की कंटिन्यूएशन बाबर को फ़ेस करनी पड़ती है पहले चार साल के अंदर आप समझिए कि बाबर जब दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा तो बाबर के लिए कंटिन्यूसली फाइट के ऊपर फ़ाइट चालू थी बाबर इमीडिएटली देख रहा है कि मेरे खुद के ही नोबल्स जो है वो नोबल्स ने उसके सामने बगावत कर दी है और बाबर को अपने ही नोबल्स के सामने विद्रोह झेलना पड़ा बाबर ने नोबल्स को चुप करवाया और कहा ससुरा कहाँ मर जाओगे बे आप यहाँ पे भारत में ही अपना घर बनाइए देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव फॉर यू टू गो बैक टू अफ़गानिस्तान अफग़ानिस्तान में तो हम फटीचर थे वी वर पॉवर्टी स्ट्रिकन वी वर नॉट हैविंग द रेवेन्यूज एंड हैंस वी हैव डिसाइडेड टू कम एंड सेटल इन इंडिया अगर आप यहाँ से वापस जाओगे तो आप अपने भरोसे हो फिर मेरा गला मत पकड़िएगा या मेरा कॉलर मत पकड़िएगा कि बाबर हमको कुछ करके दो सर तो होता यह है कि बाबर को पहले तो इमीडिएट प्रॉब्लम्स अपने नोबल्स की थी उसके जो भी नोबिलिटी क्लास के लोग थे वो कह रहे थे कि भाई वी विल नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ विल नॉट वी आर नॉट रेडी टू स्टे बैक इन इंडिया एंड वी वांट टू मूव आउटसाइड इंडिया सर बाबर ने उनको समझाया कि भाई भारत के बाहर कुछ ऑप्शन है ही नहीं आप भारत के बाहर जाके करेंगे क्या वॉट विल यू डू आफ्टर गोइंग आउट ऑफ इंडिया सो इट्स बैटर यू स्टे बैक इन इंडिया कि आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएगा दो पैसे मिलेंगे तो देयर विल भी क्लास ऑफ पीपल जो इन फैक्ट है ना यहाँ नोबिलिटी क्लास के रूप में आप समझिए कि बाबर के सामने बगावत कर रहे थे बाबर ने उनको चुप करवाया उसके बाद बाबर देख रहे कि इमिडिएटली मेरे सामने कौन सी कौन सी थ्रेट है विच थ्रेट्स आर देर ये थ्रेट्स के ध्यान में रखते हुए बाबर ने पंद्रह में राणा संग्राम सिंह के ऊपर अटैक किया सर और ये जो अटैक होता है इसी को ही बैटल ऑफ खानवा कहते हैं सर गिमा पॉइंट सो यू विल फाइंड कि खानवा की बैटल हुई मैं आपको पूरा सेकेंड पानीपत का बैकग्राउंड बता रहा हूँ सर आपको ये लग रहा होगा कि सर बाबर की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मैं कतई बाबर की इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं खानवा के डिटेल में गया नहीं हूँ कि क्या हुआ था सर बाबर और राणा संग्राम सिंह जो यहाँ पे राजस्थान के शासक थे मेवाड़ स्टेट के उनका तो बहुत पुराना आंकड़ा हो गया था ये लड़ाई इनके बीच में पुरानी इसके लिए हो गई थी क्योंकि राणा संग्राम सिंह ने प्रॉमिस किया था यह ऐसा एक इतिहासकारों का ट्रेंड का मानना है कि राणा संगा ने बाबर को इनडायरेक्टली ये हिंट दी थी कि अगर आप उत्तर भारत की तरफ से इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करेंगे तो मैं यहाँ पे मेरा एक फ्रंट खोल दूंगा आई ओपन अ सेपरेट फ्रंट फॉर मी तो इन परिस्थिति में बाबर को राणा संग्राम सिंह के साथ पुरानी दुश्मनावट हो सकती है दूसरा कारण ये था कि राणा संग्राम सिंह उस समय के दौरान एक ऐसी परिस्थिति में आए थे जहाँ उनको समझ में आ गया था कि बाबर को डिफीट करना बहुत जरूरी है और इसके लिए राणा संग्राम सिंह जी ने उस समय के दौरान अफगानों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए थे महमूद लोदी के साथ उन्होंने कांटेक्ट एस्टाब्लिश किया था जो ऑलरेडी अफगानों का नेता था जो इब्राहिम लोदी का भाई था और महमूद लोदी के साथ वो परिचय बना के बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम इकट्ठे हो जाते हैं दिल्ली के सटे मेवात नाम का एक प्रदेश है ये मेवात वाले प्रदेश से भी बहुत सारे लोगों को राणा संग्राम सिंह ने अपने तरफ लेने की कोशिश की थी हसन खान करके वहाँ के लीडर हुआ करते थे तो इन परिस्थितियों में अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस बाबर हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं इनके सामने फाइट करूंगा आई विल बी फाइटिंग अगेंस्ट देम और बाबर ने खानवा की लड़ाई के लिए या राजस्थान के ऊपर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया राणा संग्राम सिंह को बाबर की टेक्निक समझ में आए उसके पहले ही राणा संग्राम सिंह ने अपनी तरफ से इनफैक्ट आदेश दिया और उन्होंने सेना आगरा की तरफ भेज दी और इस तरह से यू विल फाइंड कि राणा संग्राम सिंह और बाबर की सेना बयाना नाम की जगह है आज के दिल्ली हरियाणा वाले विस्तार में सटे हुए वहाँ पे लड़ाई होती है ये लड़ाई में बाबर की सेना पूरी तरह से तहस नहस हो गई और इनिशियली ये सक्सेस में राणा संग्राम सिंह बहुत ही आगे चले गए थे और बाबर को काफ़ी नुकसान हुआ बाबर के सैनिक थके हारे थे सुबह से दिन भर से जगे हुए थे दे वर फाइटिंग दे लॉस्ट मैनी ऑफ देयर कलीग्स दे लॉस्ट मैनी ऑफ देयर फ्रेंड्स और बाबर ने उन सबको मोटिवेट किया बाबर ने कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो हम लोग को गाजी बनना है हम जिहाद करने आए हैं वी आर ऑन अ रिलीजियस वॉर विल मेक श्योर की विल फाइट अगेंस्ट दी राजपूत्स और इस तरह से बाबर ने रात को अपने सैनिकों को फिर मोटिवेट किया जिहाद का नारा दिया और दूसरे दिन उसने फिर से अटैक करवाया इस तरह से फरवरी 1527 में खानवा की लड़ाई हुई ये खानवा की लड़ाई में एक साइड के ऊपर राणा संग्राम सिंह दूसरी साइड के ऊपर बाबर हुआ करते थे और बाबर ने जिस तरह से यहाँ पे आक्रमण किया आर्टिलरी गन्स का यूज़ किया यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तुलगुमा टेक्निक का उपयोग किया मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था तुलगुमा क्या है साइड से अटैक करना सर इन सब चीज़ों का बेस बनाते हुए बाबर वॉज एबल टू विन ओवर खानवा राणा संग्राम सिंह खानवा से निकल जाते हैं और उनको समझ में आया कि हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे राणा संग्राम सिंह उस समय के दौरान डिसाइड करते हैं कि बाबर का नेक्स्ट अटैक होगा वो बाजू वाला मालवा का राजपूत स्टेट है जिसका नाम है चंदेरी वहाँ पर ही बाबर आएगा सर संग्राम सिंह डिसाइड करते हैं कि भाई कोई बात नहीं हम यहाँ पे चित्तौड़ में हारे हैं हम यहाँ राजस्थान में हारे हैं हम खानवा में हारे हैं हम ये डिसाइड करते हैं कि बाबर को रोकेंगे मालवा के अंदर से यूल फाइंड कि राजपूत कॉन्फेडरेसी टूटती है उनका मॉरल जो 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 फीलिंग्स थी वो टूटती है पर संग्राम सिंह का जज्बा नहीं तोड़ पाए और संग्राम सिंह जी इसके लिए आप देखोगे तो मेदनी राव की मदद करने के लिए डिसाइड करते हैं कि मैं मालवा की तरफ चला जाऊँगा संग्राम सिंह जी मालवा पहुंच भी रहे थे बट खैर कुछ ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि राणा संग्राम सिंह को किसी अपने ने ही ख़त्म करवा दिया सो ही वॉज पॉइजन डाउन उनको जहर दे दिया जाता है और इन परिस्थिति में चंदेरी के ऊपर मेदनी राय अकेले थे ये मेदनी राय की जो पूरी किंगडम थी ये मेदनी राय की किंगडम बाबर इस तरह से अटैक करता है और यू विल फाइंड कि जनवरी फिफ्टीन के अंदर चंदेरी की लड़ाई में मेदनी राय के ऊपर अटैक करवाया गया और ये अटैक के बाद पूरी की पूरी राजपूताना फोर्सेस को बाबर ने ख़त्म कर दिया मालवा से ले राजस्थान के कुछ विस्तारों में बाबर की सेना का प्रभुत्व इस्टब्लिश हो चुका था और इन परिस्थिति में बाबर को ये लग रहा था कि मैं गुजरात से लेके बाकी सारे एरिया में भी एक्सपांड करूँगा बाबर सोच भी रहा था कि राजपूताना मालवा और गुजरात को जीतने के बाद मैं और आगे चलूंगा बट इन परिस्थितियों में बाबर को न्यूज़ मिलती है कि अगर मैं मालवा अगर मैं गुजरात को जीतने के पीछे बहुत ज़्यादा अतिशोयक्ति यूज़ करूंगा तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि ईस्टर्न इंडिया से आज के जो पूर्वीय भारत है वहाँ से अफ़ान्स बैठे हुए थे वो अफ़गान्स बाबर के ऊपर अटैक कर देंगे और इसी के कारण बाबर डिसाइड करता है कि पहले अफ़ग़ानों को निपटाया जाए ये अफ़गानों की सेना की जब हम लोग बात करेंगे तो वी कम टू तो नो अबाउट महमूद लोधी हु वॉज ऑलरेडी हैविंग गुड रिलेशन्स विद द लोकल अफग़ान चीफ्स इस महमूद लोधी को अगर आप समझने की कोशिश करिए मदद करने के लिए बंगाल के शासक भी उभर के आ चुके थे एंड यू विल फाइंड कि हमको ये भी पता चल रहा है कि इन परिस्थितियों में बंगाल के तात्कालिक शासक नुसरत शाह जो थे ये नुसरत शाह भी एक समय के लिए महमूद लोधी की फेवर में आ चुके हैं शेर शाह सूरी जिसका नाम आप सुनते हो शेर शाह सूरी भी इस लड़ाई के अंदर बैठा हुआ है और वो भी अफगान चीफ था वो भी चाहता था कि भाई बाबर को कैसे भी करके डिफ़ीट किया जाए और इन सब परिस्थितियों में बाबर ने यहाँ पे 1529 में डिसाइड किया कि अफगान के साथ लड़ाई करेगा और पंद्रह में ही घाघरा की लड़ाई हो जाती है द बैटल ऑफ़ घाघरा ये जो बैटल ऑफ़ घाघरा होती है इन द ईस्टर्न पार्ट वहाँ पे हमको पता चलता है कि बाबर जो है अफगानों को पराजित कर देगा बाबर ने अफ़ग़ानिस्तान की या अफ़ानियों की जो सेना थी उसके अंदर एक फूट डाली और उसने बंगाल के तात्कालिक शासक नुसरत शाह जिनके अध्यक्षता में बंगाल चलता था उनके साथ एक अलग से ट्रीटी की और नुसरत शाह को कहा कि मैं कभी बंगाल नहीं आऊँगा आप ये अफग़ानी भगोड़ों को बंगाल के अंदर शरणार्थी मत बनाइएगा यू प्लीज डू नॉट गिव द रेफ्यूज टू दी अफगान रूलर्स हु हैव बिन फाइटिंग अगेंस्ट मी आई विल नेवर कम इन बंगाल बाबर वॉज वेरी स्मार्ट इन परिस्थितियों में बाबर ने अफगानों को पराजित किया और अफगानों की जो आग थी ये आग इसके बाद और जल जाती है नो डाउट बैटल ऑफ घगरा के अंदर अफगान हार गए पर अफगान हारने के बाद भी उनके अंदर का जो रिवेंज का गुस्सा है उनके अंदर की जो बाबर और मुगल सेना के प्रति जिस प्रकार की जो फीलिंग है वो बंद नहीं हुई थी और इसके कारण बाबर ने प्लान तो ये किया था कि आफ्टर द बैटल ऑफ घाघरा ही बी एक्सपांडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बट बिकॉज ऑफ द हेल्थ कंडीशंस बाबर 1530 में मृत्यु हो जाती है और 1530 तक आते आते बाबर की मृत्यु हुई आफ्टर फाइटिंग पानीपत पानीपत के बाद खानवा खानवा के बाद चंदेरी और चंदेरी के बाद घाघरा तो आप इस तरह से सीक्वेंस में उसको याद रख सकते हो पी के सी एंड जी ये पी के सी जी के बाद बाबर यहाँ पे कंसोलिडेट तो कर पाया बट यू विल फाइंड कि ही कुड नॉट लिव फॉर लॉन्गर पीरियड टू सी द ग्लोरीफुल डेज बाबर वॉज नॉट एबल टू कंसोल नो डाउट एबल टू कंसोलिडेट बट वो जी नहीं पाता है और बिकॉज बाबर जी नहीं पाता है तो हमको ये पता चल रहा है वी कम टू नो अबाउट दिस पॉइंट वी विल सी दैट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पे बाबर की मृत्यु होती है आफ्टर ऑफ़ तो बाबर के तत्कालीन मृत्यु के बाद यून टू पावर अब तुम भी आओ तुम्हारे अब्बा जान की जान निकाल दी थी हमने तो तुम पावर के ऊपर तो आ गए हो पर हम देखते हैं कि तुम कितना टिक पाओगे तो ये जो हुमायूं का जो फेज है ये फेज सेकेंड पानीपत की तरफ भारत को लेके जाएगा सर अब ऐसा तो क्या था तो फिर से आपको स्लाइड्स के थ्रू या ये क्रोनोलॉजी के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की कि हुमायूं 1530 में पावर के ऊपर आया हुमायूं केम टू पावर इन 1530, राइट फिफ्टीन थर्टी से 1540 के बीच में हुमायूं जब शासक के ऊपर बैठा था तो हुमायूं हैड फॉट मल्टीपल बैटल्स अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर्स एंड हुमायूँ हैड ऑल्सो फॉट अगेंस्ट दी अफगान्स एंड द लोकल रूलर्स ऑफ दिस कंट्री सर अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्या कहानी रहती है हमायूं के साथ सर हमायूं की परिस्थिति बहुत खराब थी पंद्रह सौ तीस में हमायू पावर के ऊपर तो आ चुका था बट हमायू डिड नॉट हैड दथोरिटी नॉर दुमायूँ हैड दी कैन से कमांड एंड कंट्रोल ओवर द एम्पायर एंड दिस इज़ वन ऑफ़ द रीजन दस साल रूल करने के बाद द सूरीज व टेबल टू तो टेक ओवर डिफीट हुमायू एंड थ्रो हिम आउट ऑफ दिस कंट्री अपटिल ईरान एंड लेट ऑन हुमायूं वेन टू काबुल टू इज ब्रदर्स प्लेस वो कामरान के पास चला गया अपने भाई के पास काबुल के अंदर से ठीक है ये हमायूं पंद्रह सौ पचपन में वापिस आता है और पचपन में वापिस आने के बाद फिर बचपन का प्यार होगा और फिर वहाँ से ही फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स में सेकेंड बैटि पानीपत हो जाएगा सर ठीक है तो बचपन और बचपन की जो कहानी है उसको तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, के, आगे की आधे घंटे के अंदर सर अब देखते हैं कि हुमायूं का टाइम पीरियड कैसा रहा है जो सेकंड पानीपत की तरफ लेके गया बाबर की पर्सनैलिटी क्या थी बाबर कितनी हद तक जिम्मेदार था बाबर का क्या कार्य रहा है वो सब आज के क्लास के अंदर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा मुख्य इंटेंशन ये है कि हम लोग पानीपत सेंट्रिक चर्चाएं ज्यादा करें रेदर देन डिस्कसिंग मोर पॉइंट्स और डिस्कसिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू दी कैन से दर्सनैलिटी ऑफ बाबर और कैरेक्टर ऑफ बाबर एंड द इशन ऑफ बाबर एज अंग है ना बाबर एक शासक के रूप में क्या कार्य कर रहा है सर ठीक है अब आगे चलते हैं लेटस्ट प्रोसीड फर्दर एंड लेटस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ हुमायू लेटस्ट ट्राई टू सी हमायू का बेस कैसे बना लेटस ऑल्सो सी कि हुमायूं के बेस में किन किन प्रकार की चीजें चलती है सर ठीक है ना तो चलते हैं आगे प्रोसीड फर्दर एंड कि हुमायूं की स्टोरी क्या रहती है सर है ना अब देखिए हुमायूं की स्टोरी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे और यह स्टोरी ही पंद्रह में सेकंड पानीपत की तरफ भारत को लेकर जाएगी सर है ना द सेम स्टोरी लीड टू दानीपत इन फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स मार्क माई वर्ड्स अगले 15-20 मिनट तक मैं आपको हुमायूं की बातें करूंगा बट उसका प्रीफेस होगा सेकेंड पानीपत की तरफ से क्योंकि सेकेंड पानीपत में अफगान रिवाइवल हुआ था ये अफ़गान रिवाइवल एक्चुअली हुमायूं के तरफ से ही हो चुका है अगर बाबर ने हुमायूं को बाबर ने अफगानों को डिफीट कर दिया था घाघरा की लड़ाई में अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले तो ये कंडीशन में हुमायूं ने ऐसी तो क्या गलती कर दी थी कि अफगान फिर से पावरफुल हो गए और इन गलती के कारण अफ़ग़ान फिर से मुग़ल एम्पायर को और मुग़ल साम्राज्य को यहाँ पे थ्रेटन करते हैं और कहते हैं कि बेटा हम तुमको इतने गोले मारेंगे इतने गोले मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा सर तो चलते हैं पीछे बैकग्राउंड में और देखते हैं कि हुमायूं की कहानी क्या है 1530 की बात है और हुमायूं बेसिकली पावर के ऊपर आया था नया 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 हुमायूं के साथ प्रॉब्लम ये था कि हुमायूं के जो भाई थे उनके बीच में उसको साम्राज्य डिवाइड करना पड़ा क्यों साम्राज्य डिवाइड करना पड़ा क्योंकि तीमूर जहाँ से बाबर बिलोंग करता था तैमूर के वन से उनके वहाँ पे एक ऐसी प्रथा चलती थी देर यूज टू बी अ सिस्टम वेर वी डू गेट दी कंडीशंस देर दी लोकल किंग्स यूज टू डिवाइड द एम्पायर बिटवीन द ब्रदर्स हमायूं के साथ ये हो रहा है कि हमायूं अकेला नहीं था उसके भाई थे जिनके बीच में उसको साम्राज्य डिवाइड करना पड़ा था तो उसके तीन भाई आपको दिखेंगे कामरान कामरान के साथ साथ हिंडाल और हिंडाल के साथ साथ आप देखोगे मिर्जा अस्कर सर यह तीनों के तीनों भाइयों के बीच में हमायू को अपना एम्पायर डिवाइड करना पड़ा था और इसके कारण आप समझने की कोशिश करिए हुमायूं जो था ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है कामरान काबुल के ऊपर रूल करता था कामरान यूज़ टू रूल इन दी काबुल एंड काबुल जो बाबर का एक टाइम के ऊपर हेडक्वार्टर्स हुआ करता था वहाँ कामरान को बिठाया दिल्ली आगरा वाला जो रीजन है दिल्ली आगरा वाला जो रीजन है वो हुमायूं को दे दिया गया इट वॉज गिवन टू हुमायूं बाय बाबर की बेटा तो संभालना सर ठीक है यू विल फाइंड कि आज का राजस्थान अलवर वाला जो रीजन है वो हिंडाल को दिया जाता है हिंडाल वॉज अ ब्रदर ऑफ हुमायूं ओनली सर और आज के नॉर्थ इंडिया में ही संबल वाला रीजन है सर वो मिर्ज़ा अस्करी को दिया गया तो आप पकड़ने की कोशिश करिए कि हुमायूं के भाइयों के बीच में साम्राज्य डिवाइड हुआ है नॉर्थ इंडिया उस टाइम पर इनके हाथ में था सर एंड हुमायूं हैड मल्टीपल प्रॉब्लम्स टू फेस ऑन सर हमायूं के साथ ऑलरेडी एम्पायर डिविजन हो चुका है और हमायूं इन परिस्थितियों में अफगानों के साथ भी लड़ाई करने का प्लान कर रहा है हुमायूं ये देख रहा है कि मेरे भाई तो मेरा साम्राज्य लेके गए ही है गुजरात एट दैट टाइम वाज गेटिंग वेरी स्ट्रांगर अंडर अ वेरी एबल रूलर और जस द बहादुर शाह बहादुर शाह करके गुजरात के एक बहुत ही स्थानिक यहाँ के राजा उभर के आए थे मुजफ्फर डायनेस्टी से जो हुमायूं के सामने चैलेंज थ्रो कर रहे थे ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे तो यू विल सी दैट ईस्टर्न इंडिया के अंदर यहाँ बिहार बंगाल वाले रीजन के अंदर एक स्थानिक शासक उभर के आया था जिसका नाम था शेर शाह शेर शाह या शेर खान कहते हैं यह शेर शाह या शेर शाह जो था इसका भी प्रोमिनेंस इसी पीरियड में आ रहा है हुमायूं की परिस्थिति बहुत ख़राब थी क्योंकि हुमायूं वॉज कंटिन्यूसली फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम इस फैमिली मेम्बर्स क्योंकि उसके भाई उसके सामने विद्रोह करने का प्लान कर रहे हैं गुजरात से बगावत होने की शकत है और गुजरात के बहादुर शाह अटैक कर देंगे बिहार और बंगाल के अंदर बैठा हुआ शेर शाह भी अटैक कर देगा हुमायूं जब पावर के ऊपर बैठा उसी साल उसके सामने कू हो जाता है एक विद्रोह होने की कोशिश की जाती है तात्कालिक रूप से उसका जो प्राइम मिनिस्टर था हुमायूं के सामने विद्रोह करवाएगा खैर कैसे भी करके हुमायूं जैसे तैसे करके दिल्ली आगरा की गद्दी के ऊपर तख्त नशी हो गया पर हुमायूं की परिस्थिति बहुत नाजुक थी इन परिस्थिति में हुमायूं को फाइट करना था इंटरनली और आउटरनली एक्सटर्नली हम लोग कह सकते हैं हुमायूं वॉज फाइटिंग इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली आप देखिए कि शासक जब कमजोर होता है वेन द रूलर इज वेरी वीक यह शासक कमजोर होता है और उसमें उसको इतनी सारी स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है ये स्ट्रगल्स की कंडीशन अगर आप समझने की कोशिश करिए ये पॉलिटिकल स्ट्रगल थी पॉलिटिकल थ्रेट्स हुआ करती थी जो हुमायूं के साम्राज्य को डुबा सकती है क्योंकि उसके भाई उसके सामने बगावत करके उसकी सत्ता ले सकते थे हुमायूं वाज आल्सो फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों क्राइसिस हो रही थी क्योंकि हुमायूं की परिस्थिति बहुत खराब है एंड हुमायू वॉज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ डाउनफॉल पीरियड क्योंकि बाबर ने पूरी की पूरी तिजोरी जो है जिसे हम लोग ट्रेजरी के रूप में पहचानते हैं अंग्रेजी में उसको तो बेसिकली खाली कर दिया था चार साल युद्ध करके बाबर हैड कंटिन्यूसली फॉर द वॉर्स एंड बिकॉज बाबर हैड कंटिन्यूसली फॉर द वॉर एमटिक डाउन द ट्रेजरी तो एक साइड के ऊपर आपकी ट्रेजरी एम टी है आपके सामने पोलिटिकल थ्रेट हो रहे हैं आप मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हो सर है और तब आपके सामने आप देखने की कोशिश करिए यहां पे ईस्टर्न इंडिया के अफगान्स जो बाबर के जाने के बाद फिर पावरफुल हुए हैं गुजरात जैसे स्टेट्स जहां के शासक अपने आप का खुद का एम्बिशन सोच रहे हैं और उनका भी मानना है कि हम भी कुछ बड़ा करेंगे वी विल ऑल्सो मेक इट लार्ज क्या आपको नहीं लगता है कि ऑल दिस ऑथोरिटीज विल ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब सख्तियाँ हुमायूं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी सर हुमायूं की परिस्थिति बहुत नाजुक है हुमायूं की परिस्थिति बहुत नाजुक है हुमायूं को समझ में नहीं आ रहा है सर ठीक है हुमायूं के खुद के नोबल्स जो थे उसके सामने बगावत के मूड में आ गए थे उसके मंत्री और संतरी कह रहे थे कि यह कहां का राजा है सर यू विल फाइंड कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है जहां हुमायूं के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पॉलिटिकल थ्रेट उसके नोबल्स और मुगल्स को भारत में उस टाइम के अंदर आउटसाइडर्स के रूप में कंसिडर किया जाता था कि ये तो बाहरी लोग हैं बाबर वॉज एन आउटसाइडर अकबर के बाद इनकी परिस्थिति बदल जाती है और अकबर के बाद इनको अंदरूनी कहा गया कि नहीं ये तो अपने लोग हैं क्योंकि अकबर का जन्म फिर भारत में होता है मेट्रीमोल अलायसेस क्रिएट हुए राजपूत शासकों के साथ डिसाइड किया गया कि नहीं वी विल हैव रोटी बेटी का रिश्ता विल हैव गुड रिलेशन एंड देन देन विल ट्राई टू प्रोसीड फर्दर सर कैडिंग आप समझिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आप चीज़ों को समझिए कि मिर्जा अस्करी कामरान हिंडाल हुमायूं के भाई आर्थिक रूप से कटोकती पॉलिटिकल थ्रेट्स यहाँ से बंगाल से शेर खान गुजरात से आप देखोगे बहादुर शाह जैसे शासक उभर के आ रहे हैं हुमायूं के सामने हंगामा कर रहे हैं और मुगल्स को भारत की आवाम स्वीकार नहीं रही है द लोकल पीपल ऑफ़ दिस कंट्री वर नॉट एक्सेप्ट द मुगल्स बोले ये तो थोड़ी लोकल लोग हैं ये तो बाहर के लोग हैं तो इन परिस्थितियों में हुमायूं एक स्ट्रेंजर के रूप में एंटर हुआ है एक स्ट्रेंजर के रूप में हुआ है क्योंकि हुमायूं को कोई नहीं स्वीकार रहा था ना उसके अपने स्वीकार रहे थे उसके भाई स्वीकार रहे थे ना ही भारत के स्थानिक लोग स्वीकार रहे थे ना ही भारत के स्थानिक शासक स्वीकार रहे थे ना ही उसकी तिजोरी उसको मदद के लिए थी देखिए कंसेप्ट आता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं यू हैव मनी यू हैव वेल्थ तो आप कुछ कर सकते हो पर यू डू नॉट द मनी एंड वेल्थ आप क्या करोगे वॉट विल यू डू तो हमायूं की परिस्थिति ऐसी थी कि ही डिड नॉट हैड द मनी एंड द वेल्थ ना इधर द पॉलिटिकल कंडीशन एंड हुमायूं वॉज थिंकिंग कि मैं यहाँ शाहछा हिंदुस्तान बना हूँ मैं पातशाह बन गया हूँ मैं गाज़ी बन गया हूँ ठीक है आई विल डू समथिंग एल्स इन परिस्थितियों में हुमायूं यहाँ पे डिसाइड करता है कि मैं को तूफ़ानी करता हूँ और तूफ़ानी करने के चक्कर में हुमायूं ने 1532 में अफगानों के साथ पहली लड़ाई की द बैटल ऑफ दौरा ये याद रखेगा मैं आपको अफगान सेंटर की पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अफगान सेंट्रिक ही हमारे लिए ये पानीपत का बैकग्राउंड देखने के लिए जरूरी है सर ठीक है केड़ी मायूं ने फिफ्टीन में यू विल फाइंड की दौरा की लड़ाई की यह दौरा की लड़ाई में हुमायूं ने अफ़गान्स को डिफीट किया और अफगान्स को डिफीट किया तो हुमायूं का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं अपन भी कुछ कर सकते हैं इवन वी कैन डू समथिंग एल्स वेल दौरा की लड़ाई के बाद हुमायूं आ गया चुनार वही चुनार जो आज के ईस्टर्न यूपी के अंदर है और जहां का तात्कालिक रूप से जो शासक था शेर खान ये शेर खान हुमायूं को काफी चैलेंज कर रहा था इस पीरियड में सर अगर हुमायूं चुनार से लेके आगे का विस्तार कैप्चर कर रहा है दैट मीन्स हुमायूं एंट्रिंग अप टिल बंगाल और बंगाल उसके हाथ में आ गया तो पैसा ही पैसा होगा क्योंकि इन द एशियंट एरा एंड इन दिस पीरियड इवन ऑफ मिडिवल एरा यू विल फाइंड बंगाल यूज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहां से रेवेन्यू आती थी ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू एग्रीकल्चर के थ्रू मुस्लिम के थ्रू मलमल बनता था सर ठीक है हुमायूं के शेर खान के साथ इस पीरियड में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है दर इज़ अ कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन द चुना रीजन रिगार्डिंग शेर खान वही शेर खान जो शेर शाह सूरी बन जाता है एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम शेर खान भी नहीं था आप समझिए कि उसका नाम फरीद हुआ करता था एट टाइम बट एक समय की बात है कि फरीद ने एक बार शेर का शिकार किया तो उसका नाम बोल गया, गया कि ये शेर खान है सर ठीक है सो द ओरिजिनल नेम वॉज फरीद एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वंस ही एक्चुअली किल्ड लायन तो उसके बाद उसका नाम शेर खान रख दिया गया है सर गेटिंग ऑफ पॉइंट तो कहानी यह है द स्टोरी गोज ऑन टू से कि हुमायूं की जब हम लोग बात करेंगे हुमायूं की बात के अंदर हमको ये भी पता चल रहा है कि इस तरह से यहाँ सिचुएशन क्रिएट हुई है ये सिचुएशन के अंदर हुमायूं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया था हमायूं चाहता था कि मैं शेर खान को हटा दूँ यहाँ से पर शेर खान कह रहा है कि बेटा तुम गलत जगह के ऊपर आए हो तुम ऐसी जगह के ऊपर आए हो जहाँ पे तुम्हें बहुत ही अननोन नोन फेस करने पड़ेंगे और हुमायूं स्टेट देयर फॉर अ ब्रीफ पीरियड हुमायूं यहाँ पे छः महीना रुका भी सही बट आखिर में शेर खान के साथ ट्रीटी करके आता है तीन महीना रुका था सितंबर से लेकर दिसंबर तक का पीरियड तीन महीने तक आया और तीन महीने में उसने शेर खान के साथ ट्रीटी की कहा कि आप यहाँ से आगे मत जाना आप यहाँ से आगे मत जाना आप मेरे लॉयल्टी रखिएगा यू गिव लॉयल्टी टू मी और मैं आपको यहाँ से बख्श के जा रहा हूँ सर हुमायूं की परिस्थिति ऐसी थी कि हुमायूं बंगाल जीतने के चक्कर में तीन महीना रुका और उसके बाद उसने विड्रॉ कर दिया क्योंकि हुमायूं को डर था कि गुजरात से तात्कालिक रूप में गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह उसके ऊपर अटैक ना कर दे और हुमायूं के साथ ये हुआ भी था देर वर टू साइड्स ऑफ अटैक विच वर गोइंग ऑन ऑन हुमायूं एक साइड से बंगाल के शासक थे बंगाल बिहार के शेर खान जो धावा बोल रहे थे दूसरी साइड के ऊपर गुजरात के शासक तो हुमायूं बैठा हुआ है अब एक राजा के रूप में आपके ऊपर दोनों साइड से ऊपर दो साइड से एनिमीज अटैक कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे व्हाट विल यू डू आप ऐसी परिस्थिति का क्रिएशन करेंगे जहां आप ये ध्यान रखेंगे कि आप अपने आप को कंसोलिडेट करें और आप अपने आप को सिक्योर करें हुमायूं इस पीरियड के समय पे जब बिहार के ऊपर अटैक किया और बिहार से उसको वापस भागना पड़ा क्योंकि गुजरात के बहादुर शाह का अटैक होने की शक्यता थी हुमायूं ने उस समय के दौरान एक नए सिटी की स्थापना की जिसका नाम था दिन सो यू रीड इन द बुक अ सिटी एस दिन पनहा दिन पनहा नाम के शहर की उसने स्थापना की दिल्ली के अंदर और वहाँ पे उसने जलसे करवाए बोले जलसे करो मज़े करो एक नंबर मज़ा आ जाएगी आपको सर ठीक है हुयूँ उसके बाद थोड़ा नींद से जाकर उसने कहा कि मैं बहादुर शाह का चैप्टर क्लोज करके आता हूँ एंड देन यू विल फाइंड फिफ्टीन थर्टी टू ऑनवर्ड्स फिफ्टीन थर्टी थ्री ऑनवर्ड्स हमायूँ फिर गुजरात की तरफ आता है तो एक साइड के ऊपर शेर खान के साथ उसने ट्रिटिंग की वही अफगान जो उसको भारी पड़ जाएंगे एक्जैक्टली exactly तीन तीन चार साल के बाद गुजरात के बहादुर शाह के साथ ट्रिटी करता है हुमायूं और ये ट्रिटी के साथ सॉरी गुजरात के बहादुर शाह के ऊपर अटैक करेगा और गुजरात के ऊपर अटैक करने के बाद यू विल फाइंड कि बहादुर शाह को गुजरात से भगा दिया गया हुमायूं ने गुजरात जीता हुमायूं वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सुल्तान्स टू तो एंटर इन टू द रीजन ऑफ गुजरात एंड अहमदाबाद अब आदमी गुजरात जीत रहा है तो ही शुड हैव गुड ऑफिशियल्स पोस्टेड ही शुड हैव गुड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हु कैन क्रिएट अ गुड हायरार्की इन टू द सेटअप उनको यहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हुमायूं ने क्या किया व्हाट हुमायूं डिड हुमायूं ने गुजरात जीतने के बाद अपने भाई को अपॉइंट कर दिया मिर्ज़ा अस्करी वही मिर्ज़ा अस्करी जो पहले उसके लिए ऑलरेडी फ़ाइट कर रहा था सर उसके सामने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर फ़ाइट कर रहा था बहादुर शाह गुजरात को वापस जीत जाते हैं और हुमायूं और हुमायूं के पूरी की पूरी तामजान को गुजरात से फेंक दिया जाता है ये परिस्थिति में हुमायूं आप समझिए कि अफगानों के सामने लड़ाई करने की प्लान कर रहा है और हुमायूं को लगता है कि मैं अफगानों को फिर मारूंगा सर ठीक है उसने शेर खान को चुनार की ट्रीटी के बाद 1532 में छोड़ दिया था और इसके कारण 1537 तक आते आते ये शेर खान ही वॉज द नोन एज द मास्टर ऑफ द ईस्टर्न रीजन पूरे के पूरे ईस्टर्न रीजन के वो मास्टर बन गए थे शेर खान कहते हैं कि अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता है नो वन कैन स्टॉप मी ओवर हियर अब मेरे को रोकने वाली कोई कोई अथॉरिटी है ही नहीं सर हुमायूं को फिर से नींद से एक दिन विचार आया कि ये क्या हो गया सर मैं गुजरात जीतने गया गुजरात में अपने भाई को अपॉइंट किया गुजरात जीत के वापिस आ रहा हूँ उतने में शेर खान वापिस आ गया शेर खान ने हुमायूं को कहा कि आ जाओ हम भी आपको पानी पिलाते हम भी आपको दिखाते कि क्या हो सकता है बाय देट टाइम शेर खान एट शिफ्टेड द कैपिटल टू बंगाल बंगाल को गौड कहते थे पुराने समय के अंदर इन द एशंट एरा मिडिवल एरा में भी बंगाल का जो कैपिटल था उसको गौड कहा गया है और हुमायूं को इन्वाइट किया गया कि तुम आओ यहाँ पर मैं देखता हूँ सर है ना हुमायूं फिफ्टीन थर्टी सेवन के बाद फिर से चुनार चुनार यूज टू बी ए फोर्ट जो हुमायूं ने कैप्चर किया था शेर खान के साथ ट्रीटी करने से पहले फिर वहाँ पर अटैक करता है हुमायूं जब सेकेंड टाइम शेर खान के ऊपर अटैक करने आया फिफ्टीन थर्टी एट थर्टी नाइन तक आते आते तब शेर खान को पता चल गया था कि हुमायूं को ईस्टर्न इंडिया में बुलाया तो गया है पर उसको जाने नहीं देंगे सर और आपको भी पता है कि बुलाते हैं पर जाने का नहीं हुमायूं की परिस्थिति ऐसे हुई है कि फ़िफ्टीन थर्टी सेवन थर्टी एट के बाद वेन ही डिसाइडेड टू वंस अगेन काउंटर द थ्रेट ऑफ शेर खान इन बिहार एंड बंगाल हमायूं कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये एक उसके लिए ट्रैप रचा गया है और हमायूं ने शेर खान को अंदर की तरफ बुलाया शेर खान ने हमायूं को अंदर की तरफ बुलाया ही वॉज इन्वाइटेड टू करॉस द रीजन ऑफ बिहार ही वॉज इन्वाइटेड टू करॉस द रीजन टूवर्ड्स बंगाल सर उसको बिहार से बंगाल की तरफ लाया जाता है हमायूँ आठ महीने तक इस रीजन में रुकता है पर शेर खान को पराजित नहीं कर पाता है क्यों क्योंकि हुमायूं अपने ऐश में था वो शहमशाह हिंदुस्तान था हुमायूं को ऐसा लग रहा था कि वो अपने जीवन के सबसे एक पिकनिक में एक भारत दर्शन के वैकेशन में आया हुआ है अरे मूर्ख इंसान आप यहां लड़ाई करने आए हो आप यहां ये यह देख रहे हो कि आप बंगाल के बिहार के अंदर जो इमीडिएट अफगान रूलर्स हैं उनको खदेड़ के बंगाल से भेज दोगे उसकी जगह आप यहां पे चिल मार रहे हो यू आर जस्ट चिलिंग इट आउट आपको ये लग रहा है कि यह चिल मारने से बातें सॉल्व हो जाएगी यू फील दैट कि इस प्रकार का चिल मारोगे तो भी बातें सॉल्व हो जाएगी और चीजें खत्म हो जाएगी ऐसा थोड़ी चलता है हुमायूं जिस परिस्थिति में बंगाल के अंदर घुसा था शेर खान को पता था कि ये भाई साहब जाने नहीं दूंगा मैं इसको फिफ्टीन थर्टी का टाइम आया हुमायूं और शेर खान के बीच में आमना सामना होने की शक्यता थी शेर खान को बेसिकली एक ऑफर दिया जाता है सर ठीक है गेडिम अपॉइंट और पहला ऑफर में शेर खान हुमायूं के साथ कुछ ट्रीटी करने की बात करता है फाइनली एक डिस्कशन होता है शेर खान के द्वारा और जहाँ पर शेर खान ने हुमायूं को कहा कि मैं आपको सालाना दस लाख रुपया दूंगा दस लाख दिनार दूंगा रुपया मतलब उस टाइम पे दिनार हुआ करता था अगर आप मुझे बंगाल के अंदर रहने दे और आप बंगाल में मत आइए जैसे बाबर ने किया था बाबर ने इसके पहले नुसरत शाह के साथ ट्रीटी की थी और कहा था कि आप बंगाल की तरफ नहीं आओगे तो भी चलेगा सर शेर खान ने हुमायूं को एक अच्छी ऑफर दिया था पर हुमायूं कड़का था हुमायूं कहता है कि नो मैं तो जीतने के लिए आया हूँ अरे मूर्ख इंसान तुम जीतने के लिए आए हो तो तुम्हें इमीडिएटली शेर खान के ऊपर अटैक करना था ना कि पूरा आठ नौ महीना वेस्ट करना था टाइम पास के अंदर हुमायूं जब तक सक्रिय हो रहा है शेर खान के सामने तब हुमायूं को न्यूज़ मिलते हैं कि शायद तक आगरा में बगावत हो सकती है और हुमायूं का भाई हिंडाल जो उस समय के दौरान आगरा वाले रीजन में घूम रहा था उसके न्यूज़ हुमायूं को मिले हुमायूं डिसाइड करता है कि मैं शेर खान के साथ बाद में निपटूंगा पहले आगरा को फिर से वापस कैप्चर करना पड़ेगा वरना मेरा भाई घुस जाएगा हुमायूं बंगाल तक आ चुका है बिहार तक आ चुका है और वापस वो जाने का प्लान कर रहा था तब शेर खान उनको कहते हैं कि यू कैन कम एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर लीव वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया सच अ लवली प्लेस सच अ लवली प्लेस सच अ लवली प्लेस बेटा तुम आ तो गए अपनी मर्जी से हमारे ऊपर युद्ध करने के लिए आए थे फिर बातचीतें की आठ नौ महीने ऐसे ही वेस्ट किया पर अब तुम जा नहीं पाओगे सर हुमायूं आगरा की तरफ वापिस जा रहा है शेर खान के लड़े बिना फिफ्टीन के अंदर शेर खान कहता है ऐसे थोड़ी जाने दूंगा तुम मेरे घर में आए हो मेरे को खदेड़ने के लिए आए थे तो तुम्हारे घर में आग लगी इसके लिए तुम वापिस जा रहे हो तुम्हारे घर में आग लगी इसके लिए यू आर गोइंग बैक आई नॉट टॉलरेट दिस आई मेक श्योर कि मैं तुम्हें बीच में रोक दूं सर हुमायूं वापिस जा रहा था तब शेर खान उसको रोकता है और रोकता है कहाँ पे सर ठीक है चौसा नाम की जगह के अंदर सर पंद्रह का समय आ चुका है 1539 का समय आ चुका है अप्रैल 1539 में चौसा नाम की जगह के अंदर शेर खान ने हुमायूं को इंटरसेप्ट किया वाइल हुमायूं वॉज गोइंग बैक फ्रॉम बिहार बंगाल टू आगरा हुमायूं जब वापिस जा रहा था इस परिस्थिति में चौसा में उसको रोका गया अप्रैल का महीना था तप तपती गर्मी चुपती चलती गर्मी आ रही थी सर हुमायूं को उस टाइम पे भी अटैक करके शेर खान को निपटा देना था हुमायूं स्टिल वेटेड तीन महीने तक उसने वेट किया जून तक अब आपको भी पता है कि जून जुलाई तक आते आते यहाँ पे बारिश आनी शुरू हो जाती है हुमायूं को समझ में नहीं आया कि वो जहाँ पे तंबू लगा के बैठा है वो नदी का एक पट है इट्स अ रिवर बैंक इट्स अ शैलो एरिया वेर द वॉटर विल अकोमोडेट इट्स एन एरिया वेर वॉटर वेर कम आउट सर आप क्या करोगे इन परिस्थिति में व्हाट विल यू डू सर हमायूं के साथ ऐसी परिस्थिति का सर्जन हुआ बाय द मंथ ऑफ अप्रिल टू जून फिफ्टीन थर्टी नाइन यू विल सी एज फ्लडिंग टू प्लेस और यह फ्लडिंग का सहारा निकाला हमायूं ने आ, शेर खान ने और शेर खान ने हमायूं को पानी पानी कर दिया सर समझे कि नहीं समझा है ना हमायू वॉज राउटेड नदी में डुबते डुबते बचा डुबते रूपते बचने के बाद हुमायूं कैसे भी करके दौड़ा और दौड़ के अपने भाइयों को बुलाता है आगरा के अंदर ओ oh, भाई क्या कर रहे हो तुम्हारे भाई को मार पड़ी है और तुम यहाँ पे बैठे हुए हो व्हाट आर यू गैस डूइंग योर एल्डर ब्रदर हैज़ बिन बुलीड डाउन ही हैज बिन किक डाउन एंड ही हैज बिन एक्चुअली इनफैक्ट है ना काइंड ऑफ डिफिटेड एट चौसा फिफ्टीन में हुमायूं चौसा में हारने के बाद फिर से कन्नौज गया और कन्नौज में उसने अपने भाइयों को इकट्ठा किया अब उसके कुछ कुछ भाई तैयार थे कि हम फाइट करेंगे बट वी शुड हैव ऑटोनॉमी हमायूं कहता है कि नो मैं बड़ा हूँ ना तो मैं सबसे लीड लगूंगा सर 1540 तक आते आते वी कम टू नो द बैटल ऑफ कन्नौज टू प्लेस इन दिस बैटल ऑफ कन्नौज वी विल सी कि हुमायूं फिर से शेर खान के से सामने आया एक साइड के ऊपर हुमायूं हुमायूं ने अपने भाइयों को बुला दिया था मिर्जा अस्करी और हिंडाल दूसरी साइड के ऊपर शेर खान खुद शेर खान कहता है आड़े दो मैं देखता हूँ सर इन परिस्थितियों में शेर खान ने हुमायूं को हराया और अफगान 1540 के बाद दिल्ली आगरा की गद्दी के ऊपर तकश नशी हो गए सर 1540 से लेके जो समय आगे गया उसके बाद हुमायूं एग्जाइल में था और शेर खान दिल्ली आगरा को कंट्रोल कर रहा था सर फ्रॉम 1540 टिल 1555 फिफ्टी यू विल फाइंड भारतीय इतिहास में दो घटनाएं बनती हैं पहली घटना थी जहां हुमायूं खुद एग्जाइल में था एग्जाइल में होने का मतलब ये है कि वो भटक रहा था क्योंकि शेर खान ने उसको कहा था कि अगर गलती से भी तुम मेरे विस्तार में दिखे तो इतने गोले मारेंगे इतने गोले मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा बेटा बचोगे नहीं बचोगे फिर गारंटी नहीं है उसकी तो हुमायूं यहाँ वनवास में घूम रहा है वो पहले सिंध गया नहीं वो पहले गया जोधपुर राजा मालदेव के पास मालदेव मारवाड़ के रूलर हुआ करते थे हुमायूं ने उनसे आशरा मांगा कि मुझे आशरा दे दीजिए मालदेव ने कहा कि बेटा हम तुमको आशरा देंगे दूसरे दिन शेर खान आ जाएगा यहाँ पे और हम नहीं चाहते कि शेर खान यहाँ पे आए हुमायूं उसके बाद अमरकोट के राजा के पास चला गया अमरकोट के राजा भी हिंदू राजपूत राजा थे इस समय के दौरान हुमायूं की शादी हुई और अकबर का जन्म हुआ अकबर का एक्चुअली बचपन जो है वो एक हिंदू परिवार के द्वारा उछार गया गया था क्योंकि हमायूँ उस टाइम पे यहाँ पे था अमरकोट के अंदर अमरकोट से वो एक बार अफ़गानिस्तान अपने भाई के पास जाने की कोशिश करेगा कामरान के पास पर हमायूँ को वहाँ एंट्री नहीं मिल पाती है और फाइनली हमायूँ चला जाता है ईरान आज के पर्शिया या आज के ईरान और तब के पर्शिया और वहाँ के राजा की मदद मा के कहेगा कि राजा मुझे आशरा दे दीजिए मेरे भाइयों ने मुझे मारा है अपनों ने ही मारा है मुझे प्लीज़ हेल्प मी आउट एक साइड के ऊपर हमायूँ एग्जाइल में है दूसरी साइड के ऊपर शेर खान ने अपना दबदबा इस्टाब्लिश किया और ये शेर खान, उर्फ शेर शाह सूरी क्योंकि ये मूर्तह से वन वंश था उर्फ फरीद इसके अलग अलग नाम हुआ करते थे ये पावर के ऊपर आया और इसके पावर के ऊपर आने के बाद भारतीय इतिहास एक नए दौर के ऊपर गया जहाँ पे हमको पता चलता है कि सेकंड अफगान डायनेस्टी की शुरुआत होती है ये जो सेकंड अफ़गान डायनेस्टी की बात करेंगे उसमें शेर शाह सूरी जो था ये शेर शाह सूरी सबसे प्रोमिनेंट राजा के रूप में आया जिसने 1540 में हुमायूं को हरा के अपटिल द नेक्स्ट फाइव ईयर 1545 तक पाँच साल में तो पूरे भारत के अंदर भ्रमण करना शुरू कर दिया शेर शाह सूरी स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग पावर ही स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स ही स्टार्टेड मेकिंग मल्टीपल अटेम्प इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द इकोमी साइड इन द लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द ट्रेड एंड कॉमर्स मल्टीपल एरियाज में सर अलग अलग विस्तारों के अंदर वी विल फाइंड द सूरी पॉलिटिकल सेटअप एंड द सूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप स्टार्टेड डोमिनेटिंग इन सब परिस्थितियों में हुमायूं यहां से वहां घूम रहा है शेर सूरी वुड हैव बीन सेंस में रियल एम्पायर बिल्डर हो सकता था पर शेर का सूरी का 1545 में मृत्यु हो गया ही पास डाउन फिफ्टीन फोर्टी तो आज की मॉडर्न डे कलिजर मतलब ग्वालियर बुंदेलखंड वाले रीजन में एक फोर्ट है वो कलिंजर फोर्ट के ऊपर आक्रमण करने का प्लान कर रहा था शेरशाह सूरी और एक बार उसने फोर्ट के ऊपर आक्रमण किया पर फोर्ट की जो आर्टिलरी गन थी जहाँ से वो फायरिंग करना चाहता था वो गन फट जाती है और बिकॉज ऑफ द गन पाउडर एक्सीडेंट शेरशाह सूरी पास हुए सूरी के मृत्यु के बाद तात्कालिक रूप से उसका संतान इस्लाम शाह पावर के ऊपर आया और इस्लाम शाह ने फिफ्टीन से लेके फिफ्टीन तक सूरी साम्राज्य को आगे चलाया इसने भी रिफॉर्म्स करने शुरू किए और इस्लाम शाह के बाद अगर आप समझिए यू विल फाइंड कि मोहम्मद शाह करके राजा आएगा ये मोहम्मद शाह सूरी डायनेस्टी का सबसे थर्ड और आखिर का राजा था मोहम्मद शाह जब पावर के ऊपर आया पंद्रह में और पंद्रह से पंद्रह तक आते आते इस पीरियड में सूरी साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन हो गया है और इसका लाभ हुमायूं को मिलता है क्योंकि हुमायूं जो 1540 के बाद भारत से भाग चुका था वो हुमायूं पहले पर्शिया में रहा था और वो हुमायूं पर्शिया से अगर आप देखोगे तो काबुल वाले रीजन में इस्टबलिश हो चुका है काबुल में उसके भाई को उसने हटा के अपने आपको री इस्टबलिश किया था विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन किंग पर्शिया की सेना की मदद से और ये हुमायूं मौका ढूंढ रहा था कि मैं कैसे भी करके भारत में फिर से री एंट्री लूँ क्योंकि भारत में री एंट्री उसके सर्वाइवल के लिए बहुत नेसेसरी थी जैसे बाबर के लिए भी नेसेसरी थी हमने पिछले क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था कि बाबर अगर भारत नहीं आता तो क्या होता सर है ना वॉट वुड हैपन इफ द बाबर वुड नॉट हैव एंटर इंडिया और वुड नॉट हैव कम टू इंडिया सर ठीक है सो इन द लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस आउट है ना हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है कि बाबर की भारत की एंट्री बहुत ही आवश्यक थी वैसी हुमायूं की भी भारत की एंट्री बहुत आवश्यक थी हुमायूं का भारत के अंदर आना बहुत ही आवश्यक था क्योंकि हुमायूं को पता था कि वो पूरी जिंदगी इस तरह से भारत के बाहर नहीं रह सकता प्रॉब्लम यह था कि हुमायूं भारत में तभी सक्सेसफुली आ पाएगा जब हुमायूं को भारत के अंदर एक ऐसी कंडीशंस मिलेगी जहां पे उसको रेजिस्टेंस सबसे लीस्ट में लिस्ट हो सर और इसी के कारण हमको ये पता चलता है कि जब हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं के केस में हमको ये मिल रहा है कि भारतीय शासन पद्धति के तहत सुनिए मेरी बात भारतीय शासन पद्धति के तहत यहाँ जो सूरी साम्राज्य था वो टूटने की कगार के ऊपर आ गया है 1555 में हुमायूँ वंस अगेन वाज एबल टू एंटर दिल्ली और उसके पीछे का कारण ये था कि ये जो सूरी लोग थे जिन्होंने शेरशाह सूरी के समय पे सूरी साम्राज्य की स्थापना करवाई थी ये सूरी साम्राज्य अब अलग अलग सरदारों के बीच में टूट गया है द सूरी डायनेस्टी हैड एक्चुअली बिन डिवाइडेड इन मल्टीपल रूलर्स एंड यू विल सी दैट द सर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ जैसे पंजाब में एक और सूरी रूलर यूज़ कर रहा है आप देखोगे तो यहाँ बिहार के अंदर एक और रूल कर रहा है ईस्ट के अंदर कोई एक और सूरी रूलर रूल कर रहा है सर ठीक है अफ़ानों के अंदर तो अफ़गान नोबिलिटी ने यहाँ पे अपना जो डिवाइड एंड रूल का कंसेप्टूज़ किया था ये डिवाइड एंड रूल के कन्सेप्ट के द्वारा वी कम टू नो दैट दी एडमिनिस्ट्रेशन हैड गॉन टू अ वेरी बैड स्टेज और हमायूं को ये मौका मिलता है कि पंद्रह सौ पचपन के अंदर जब हमायूं वापिस आने की कोशिश कर रहा है तो देर वॉज नॉट मच ऑफ रेजिस्टेंस दैट हमायू फेस्ड इन इंडिया हमायूं जब भारत में वापिस आया फिफ्टीन फिफ्टी फाइव में तो उसको उतना रेजिस्टेंस नहीं फेस करना पड़ा क्यों फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कि यह सूर्यों के बीच में जो साम्राज्य था वो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है तो 1555 में हुमायूं जब वापिस आता है सर हुमायूं जब वापिस आ रहा है तो वो देख रहा है कि पंजाब में सिकंदर सूर करके सिकंदर सूर करके एक शासक बैठे हुए हैं ये सिकंदर सूर सूर्यों के ही वंशज थे पर उनका एक अलग से रजवाड़ा चलता था आज के बिहार और बंगाल वाले रीजन में ईस्ट इंडिया में मोहम्मद शाह या मोहम्मद आदिल शाह सूरी वो रूल कर रहे थे सर ये मोहम्मद अदाली जो थे मोहम्मद अदाली शाह जो थे इन्हीं के ही एक मंत्री के रूप में आपको पता चलता है कि हेमू विक्रमादित्य वॉज ऑल्सो रूलिंग हेमू विक्रमादित्य वॉज द मर्चेंट एक्चुअली टेकन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन अंडर द अफ़गान एडमिनिस्ट्रेशन सो वैन हुमायूं एंटर्ड डेली वैन हुमायू एंटर डेली आर्मी डिफिटेड द लेफ्ट अफगान सरदार ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एरिया आज के पंजाब और दिल्ली वाले विस्तार के जो उत्तर पश्चिम के विस्तार के जो शासक लोग थे उनको हुमायूं डिफ़ीट करते हुए उनको हुमायूं डिफ़ीट करते हुए दिल्ली में बैठ गया और तत्कालीन रूप से जो बाकी सारे अफ़गान्स थे वो अफ़गान्स देख रहे कि हुमायूं एस कम सर हुमायूं जब वापस आया तो एज अ रिएक्शन यू विल फाइंड अफ़गान्स प्लान करते हैं कि हुमायूं को फिर से भगाएंगे और ये जो रिएक्शन था ये रिएक्शन सेकेंड पानीपत के रूप में आपको देखने को मिलता है सर ठीक है पिक्चर क्लियर हुआ यू गर्ट द पिक्चर क्लियर दोस्तों आपको पिक्चर क्लियर हुआ सर ये आपको क्रोनोलॉजी पढ़ाई इसमें तो पूरा सूरी एडमिनिस्ट्रेशन है सूरी रिफॉर्म्स है सूरी क्या क्या कार्य करते हैं वो तो पढ़ाए नहीं है सर ठीक है क्योंकि अगर उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो मतलब इट विल टेक वेरी लॉन्ग पीरियड सर है ना और हमको मुझे पानीपत की तरफ से ज़्यादा देखना है सर गेडिमो पॉइंट तो बिकॉज हमको ये पानीपत की तरफ से देखना है तो वी नीड टू सी दिस फ्रॉम दी रीजन्स बिहाइंड पानीपत और हमको ये भी देखना है कि भाई किस तरह से यहाँ चीज़ें चल रही है सर गेडिमो पॉइंट ओके है ना तो uh, वापस चलते हैं यू विल फाइंड कि यहाँ पे अब फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ और सेकेंड पानीपत की तरफ घटनाएँ कैसे बनती है सर ठीक है ना अब देखिए सेकेंड पानीपत प्रैक्टिकली एंड अगर आप इतिहास के दृष्टिकोण से देखोगे तो हुमायूं के बीच में होनी चाहिए थी और अफगान्स के बीच में होनी चाहिए थी सर ठीक है क्योंकि हुमायूं फ़िफ्टीन के अंदर बैक हो चुका है और हुमायूं इनफैक्ट फिफ्टीन में दिल्ली में आते ही उसने बाकी सारे अफ़गान थ्रेट जो थे उसको भी काउंटर करना शुरू किया था ही हैड ऑलरेडी काउंटर द अफगान थ्रेट इन द रीजन ऑफ पंजाब आज के मॉडर्न डे पंजाब के अंदर जो अफ़ग़ानियों की थ्रेट थी उसको हुमायूं ऑलरेडी काउंटर कर चुका है हुमायूं वॉज थिंकिंग कि ये जो ईस्ट इंडिया के अंदर आए हुए अफगान सरदार से उनको भी कैसे भी करके मुझे काउंटर करना है और आज नहीं तो कल एक ऐसा दिन आएगा जिनको मैं एक आ दिन इनको भी काउंटर कर दूंगा जस्ट गिव मी सम टाइम है ना गिव मी सम टाइम गिव मी सम सनशाइन एंड गिव मी अनदर आई मीन ग्रो अप वन अगेन सर ठीक है ना तो वो ग्रो अप का कंसेप्ट था सर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हुमायूं जब दिल्ली में आया तो अफगान्स का रिएक्शंस बहुत लाजमी था क्योंकि अफगान्स को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर हुमायूं को फिर से दिल्ली में कंसोलिडेट करने देंगे तो ये जो इतनी मेहनत करके अफगानों ने फिर से साम्राज्य बनाया है वो फिर से मुगल आके तोड़ देंगे जो बाबर ने तोड़ा था अफगानों का रिएक्शन बहुत स्वाभाविक था क्योंकि मुगल्स को आउट करना उनके लिए बहुत ही फेवरेबल था और मुगल्स को अभी भी आउटसाइडर के रूप में ही कंसिडर किया जाता था मुगल्स वर सीन कंसिडर एज अ आउटसाइडर किया ये तो बाहरी लोग हैं एंड बिकॉज दे आर आउटसाइडर पीपल तो दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन 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 सच अ वे सर गेडिंग अ पॉइंट तो हो ऐसा रहा है कि अफ़गानों के अंदर में जो नोबिलिटी हुआ करती थी ये नोबिलिटी चाहती थी कि कैसे भी करके मुगल्स को हटाया जाए दूसरी अफग़ानों के अंदर जो लीडरशिप थी ये लीडरशिप किसी और के नहीं बट एक हेमू विक्रमादित्य करके यू विल फाइंड अ बनिया वॉज लीडिंग द पोजिशन ऑफ द अफ़गान अब हेमू थे कौन हुआ हेमू सर है ना हेमू वॉज द प्राइम मिनिस्टर कम चीफ मिनिस्टर कम लीडरशिप मतलब मिलिट्री लीडर कम है ना एवरीथिंग सर हम और हेमू अफगानों का पूरा कंसोल्टेसन कर रहे थे मोहम्मद आदिल शाह का मोहम्मद आदिल शाह वॉज द किंग ऑफ द सूर डायनेस्टी जो ईस्टर्न इंडिया में रूल कर रहा था जो एक टाइम दिल्ली के अंदर भी थे पर हुमायूं के आगमन के कारण ये लोग भाग गए थे वहाँ से सर ठीक है ये लोग प्लान कर रहे थे आर प्लानिंग टू रिवाइव देयर अथॉरिटी दे आर प्लानिंग टू डिफीट हुमायूं और इनके लिए ये जो प्लानिंग है ये सार्थक होती है जब पंद्रह की शुरुआत में इनको जानकारी मिली सर सुनिए मेरी बात कि हुमायूं सीढ़ी के ऊपर से गिर के मर गया है सर हुमायूं हैड एक्चुअली डाइड डाउन आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स अब आप समझिए सर क्या परिस्थिति हुई होगी जो इंसान पूरी जिंदगी भटका रहा है एक जगह से दूसरी जगह सर सुनिए जो इंसान एक जगह से दूसरी जगह भटका रहा है एंड ही इज़ कंटिन्यूअसली थिंकिंग कि मुझे कुछ तूफ़ानी चीज़ें मिलेगी भविष्य में और मैं आके फिर से इंडिया को रिकैप्चर करूंगा वो सीटी से गिर गया वो दिन दिनपना करके सिटी बनाया था हुमायूं ने मैंने आपको बताया पहले वो दिन दिनपनाह नाम के शहर जो था उसकी एक लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी और शाम का टाइम था और नमाज की आज़ान सुनाई दी उसको रिलीजन प्रैक्टिस के रूप में और उसके हाथ में बहुत सारी किताबें थी और उसने सोचा कि मैं फटाफट अजान अदा करके आता हूँ उसी पीरियड में उसका पैर स्लिप हुआ वो पैर स्लिप होने के कारण गिर गया स्लिप करवाया गया था वो तो राम जाने सर ठीक है ना क्योंकि उस समय के दौरान क्या परिस्थिति हुई होगी क्या कॉन्स्पिरसी की होगी सर पर हुमायूं की मृत्यु हो गई हुमायूं की मृत्यु हो रही है सर इसकी जानकारी मुगल कोर्ट के अंदर अब फैलनी शुरू होने की शक्यता थी हुमायूं की मृत्यु हुई है इसकी जानकारी मुगल कोर्ट के अंदर फैलने की शक्यता थी अब आप देखिए कि हुमायूं की मृत्यु ही ये शक्यता अगर मुगलों को मिल जाती है इफ दिस इंफॉर्मेशन एक्चुअली स्प्रेड इन द मुगल कोर्ट वॉट विल हैपन दिस विल लीड टू अ कंडीशन वेर कैन टेक प्लेस दिस विल लीड टू अ कंडीशन वेर कैर रेबेलियन कैन टेक प्लेस है ना एक प्रकार का विद्रोह हो सकता है या एक प्रकार का कू हो सकता है और ये कू और रेबेलियन के द्वारा हो सकता है कि आपका पूरा मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा दर इज एवरी पॉसिबिलिटी होल मुगल एम्पायर विलकम टू अ डिक्लाइन है ना गेटिंग अः तो हो क्या रहा है वॉट इज है ना वी सी द मुगल कोट वॉज गोइंग थ्रू क्राइसिस हुमायू फेल डाउन फ्रॉम द स्टेट दे ऑज अज पावर वैक्यूम एक बहुत बड़ा वैक्यूम है सर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम है क्यों पावर वैक्यूम था क्योंकि हुमायूं का लड़का अकबर जिसका जन्म फिफ्टीन फोर्टी टू में हुआ था सिंध में ही अमरकोट के अंदर जब हुमायूं भाग रहा था अकबर उस टाइम पे दिल्ली में हाजिर नहीं है कि उसकी ताजपोशी की जाए अब जब तक टीका नहीं होता है ताजपोशी नहीं होती है कोरोनेशन नहीं होता है राज्यभिषेक नहीं होता है अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं ना हम लोग तब तक हम ये नहीं मानते हैं वी डू नॉट एक्सेप्ट इट कि यहाँ पे अकबर अब ऑफिशियल राजा है दिल्ली का गवर्नर था तरडी बेग दिल्ली का गवर्नर था तर्डी बेग तरडी बेग को ये पता चला कि भाई साहब हमारे राजा जी गुजर चुके हैं और अगर हमने ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक करवा दी तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट द मुगल एम्पायर कम टू एन एंड तो हुमायूं की इन्फॉर्मेशन पहले भेजी जाती है पंजाब में क्यों क्योंकि अकबर उस टाइम पे पंजाब में बैठा हुआ था सर और पंजाब में अकबर के साथ हुमायूं का बहुत ही खासम खास सेनापति बैरम खान भी बैठा हुआ था हुमायूं की मृत्यु की खबर बाहर ना पहुंचे इसके लिए दिल्ली में एक व्यवस्था क्रिएट करवाई गई बोले क्या थी व्यवस्था तो हुमायूं के जैसे कपड़े पहने हुए एक बहरूपये को खड़ा किया गया इम्पर्सनेटर बहरूपिये को खड़ा किया गया सुनिए मेरी बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर है पानीपत की लड़ाई का बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ से सेकेंड पानीपत चालू हो जाएगा सर हुमायूं की एक इम को क्रिएट किया गया देर वॉज अ पर्सन हु वस एक्चुअली ड्रेस्ड एज अ हुमायूं इन डेली और वो उसके ऊपर वो ऐसा ताम झाम पहना के दूर से पब्लिक में खड़ा रखा गया कि देखो हमारे बादशाह अभी भी जिंदा है देखो ही स्टैंडिंग ओवर हियर ये आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे डिक्टेटोरियल स्टेट्स के अंदर ये सब बातें होती हैं और उनके सुप्रीम लीडर को कभी कभी न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा कि उनकी मृत्यु हो गई और फिर थोड़े टाइम के बाद वो बाहर दिखेंगे कि नहीं 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 ये तो जिंदा है सर है ना तो वे बात उस टाइम पे भी होती थी और ये बात अभी भी होती है सर दिस थिंग्स हैपन इवन इन द प्रेजेंट डे एज वेल सर ठीक है सो so हियर इन द केस ऑफ हुमायूं हुमायूं की तो मृत्यु हो चुकी है अकबर छोटा है अकबर बैरम खान के साथ कहाँ पर बैठा हुआ है पंजाब के अंदर कलनौर करके जगह है वहाँ पर अकबर का टीका होता है कल्नौर करके जगह है अकबर का टीका हो रहा है दिल्ली के अंदर इनिशियली तीन चार दिन तक तो बात किसी को पता नहीं चलती है सर ठीक है पर ये कब तक चलेगा कब तक ये चलेगा हाउ लॉन्ग दिस विल कंटिन्यू कि आपका बादशाह मारा गया है और आवाम को पता ही नहीं है आवाम तो छोड़िए बाकी सारे आपके दुश्मनों को भी पता ही नहीं है ये कब तक चलेगा सर डू थिंक इस प्रकार की चीज़ें लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव हो सकती हैं ंग हैज पास अवे सीढ़ी से गिर गया है उसकी जगह आपने तीन चार दिन तक तो किसी बहरूपये को रखा और फिर वहां पर अकबर के आपने टीका करवा दिया अकबर का टीका हुआ इसकी जानकारी अब सबको लग गई है अकबर को रिजेंट के रूप में बैरम खान की अपॉइंटमेंट की गई और इसकी जानकारी अफगानस को लगी अफगानस को जानकारी लगी अफगानस के तात्कालिक लीडर थे हेमचंद्र या हेम विक्रमादित्य ये कहते हैं कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी पंद्रह सौ छप्पन तक आते आते वी विल फाइंड कि हेमचंद्र या हेमू विक्रमादित्य डिसाइड करते हैं कि मैं दिल्ली और आगरा के अंदर से मुगलों को हटा दूंगा सर तडी बेग जो उस टाइम के अंदर दिल्ली के गवर्नर थे उनके ऊपर अटैक किया गया हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है अकबर अभी भी पंजाब में बैठा हुआ है मुगल साम्राज्य की रखे कौन करने वाला था वॉज देर एनी वन हु कैन एक्चुअली सेफ गार्ड द मुग़ल एम्पायर ऐसा कोई था जो मुग़ल साम्राज्य को मुग़ल एम्पायर को बचा पाए सर आप समझिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यू सी द ग्रेटर पिक्चर वॉज देर एनी ऑथोरिटी हु कैन सेफ गार्ड द मुगल ऑथॉरिटी और द मुगल एम्पायर नो दे वॉज नो वन लेफ्ट आउट कोई बचा ही नहीं है कुछ नहीं था देर वॉज नथिंग लेफ्ट आउट सर हेमचंद्र हु वॉज अ बनिया व्यापारी थे सर व्यापार किसका करते थे सॉल्ट पिटर का यू वॉज अ बनिया एंड यू विल फाइंड कि ये सूरी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आगे आ चुके हैं यू वॉज अ मर्चेंट एक व्यापारी के रूप में वो कार्य कर रहे थे सर ठीक है और वो सूरी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आगे आ चुके हैं सर ही वॉज प्रमोटेड टू अ पोजिशन कॉल्ड शाहनाई मंडी शाहनाई मंडी इज अ मार्केट सुपरिटेंडेंट लेटर ऑन ही वॉज मेड अ दरोगा इन द सूरी एडमिनिस्ट्रेशन और कहा जाता है कि बनिया था तो इसके पास डेरिंग भी उतना ही था सर क्योंकि अफगानों के साथ पला बढ़ा रहा है ये उनके साथ व्यापार किया है सर ठीक है एंड यू विल फाइंड कि मोहम्मद आदिल शाह या मोहम्मद अदाली शाह जो अफ़ग़ान किंग हुआ करते थे उनके लिए ये काम कर रहा है ही इज़ वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद आदिल शाह हुज़ दी अफगान किंग और हेमू के हाथ में इन्होंने सत्ता छोड़ दी है कि भाई तू संभाल तू कैसे भी करके मुगल्स को हटा दे गिमा पॉइंट हेमचंद्र ने अपनी एडवांस मूवमेंट दिखाते हुए ये जो पावर वैक्यूम है ये पावर वैक्यूम का फ़ायदा उठाया तरडी बेग हु वॉज द मुगल गवर्नर ऑफ डेली उनको भारत से भगाया मतलब दिल्ली से भगाया और तरडी बेग को भेज दिया जाता है पंजाब हेमचंद्र वज एबल टू कैप्चर डेली एंड आगरा और मुग़लों के अंदर एक बहुत बड़ा शून्य अवकाश हो गया सर गेड़ी पॉइंट समझ में आ रहा है आपको वॉट इज़ हैपनिंग द इज़ अवज वी कैन से वैक्यूम इन टू द मुगल एम्पायर क्योंकि जो चीज़ की कल्पना बाबर ने और हुमायूं ने की थी कि हम शहन शाह हिंदुस्तान बनेंगे हुमायूं के मृत्यु के बाद दिल के अरमा आंसू में बह गए सर बचे खुचे मुगल्स थे उनकी भी हालत टाइट हो गई द लेफ्ट ओवर मुगल्स ऑल्सो रियलाइज कि देर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग बैक इन इंडिया द लेफ्ट ओवर मुगल्स ऑल्सो रियलाइज की देर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग बैक इन इंडिया द मूमेंट विल ट्राई टू स्टे बैक द अफगान्स विल डोमिनेट ओवर अस मुगल्स जो थे वो अब पंजाब में बैठे हुए हैं सर द मुगल्स आर सिटिंग इन पंजाब समझिए आप कौन थे बैरम खान जो सेनापति के रूप में रीजेंट के रूप में काम कर रहा था अकबर तेरह साल का छोटा लड़का था और अब इनके साथ एंट्री होती है थर्डी बेग की तरडी बेग कौन था दिल्ली का गवर्नर था वो पहले दिल्ली को संभालता था जब ये घटना बनी है सर अब तर्डी बेग के साथ और भी अधर छोटे मोटे मुग़ल ऑफिशियल्स थे जो इधर उधर के भाग से या इधर उधर से भाग के दिल्ली वाले विस्तार से भाग के भाग गए थे पंजाब में बोले बचाओ बचाओ अफगान से आ गए अफगान से आ गए सर ठीक है ना गिर अब इन परिस्थितियों में मुगलों में चर्चा हो रही है पंजाब में आ, ये सब ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग इन पंजाब कल नौर और कल नौर से आप इस साइड में आओगे ना सर ठीक है दिल्ली की तरफ आओगे वहाँ पर ये चर्चा हो रही है बोले हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या अकबर कहता है तो बैरम जवाब देता है बोले वाह अकबर जी वाह 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 अकबर जी सर ठीक है ना तो परिस्थिति ऐसी क्रिएट हुई थी यहाँ अकबर इत्तूसा है तर्डी बैग भाग के आया है बाकी सारे मुगल्स भी चर्चा कर रहे हैं कि बेटा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हमने सोचा था कि हम अफग़ानिस्तान से निकले थे और दिल्ली में वापस आई होंगे हुमायूं वापस भी आया सेकेंड टाइम पे बट अब तो कहानी ख़त्म हो गई है सर ठीक है अब सामान्य रूप से मुगल शुड है यूनिटी इन दर हाउस कि अब हमको लड़ना है है ना वी आर सपोज टू फाइट इट आउट अब हमको संघर्ष करना है और ये लड़ाई और संघर्ष क्यों करनी है क्योंकि हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल हो गया देर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड इफ विल नॉट फाइट विल बी फिनिश्ड है ना विल बी डूम्ड भारत में अब घुसने के लिए फिर से एंट्री करनी पड़ेगी सर ठीक है ना अब इन सब परिस्थितियों में हेमू ने दिल्ली को कैप्चर किया और साथों साथ आप समझने की कोशिश करिए मुगल्स पंजाब में बैठे बैठे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जाए सर अफ़गान्स के लीडर हेमू दिल्ली में थे उसका राजा मोहम्मद अदालिशा शाह वो ईस्ट में बैठा हुआ था और वो हेमू के साथ कांटेक्ट में था कि क्या चल रहा है मुगल्स आए कि नहीं आए जरा मुझे अपडेट दीजिएगा हेमू कहता है कि चिंता मत करो सर आई एल कीप ऑन अपडेटिंग यू है ना डेली मोसेज आपको मिल जाएंगे सर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर गोपॉइन बात आगे चली एंड चीज़ें चलती है तो so, बात आगे चली चीज़ें आगे चली डिस्कशंस हुए कि क्या किया जाना चाहिए सामान्य रूप से मुगल्स को एक यूनाइटेड हाउस पेश करने की जरूरत थी सेकेंड पानीपत की अब संघर्ष शुरू हो रहा है द बैटल ऑफ द सेकेंड पानीपत की मतलब तैयारी हो ही गई है सर मुगल शुड है प्रेजेंटेड अ यूनाइटेड हाउस क्यों यूनाइटेड हाउस क्योंकि मुगल्स की परिस्थिति ऐसी थी कि जहां ये लोग हार रहे थे दिल्ली इन्होंने गवा दिया था आगरा गवा दिया था पंजाब बाकी था सर ठीक है एंड हियर इन दिस केस इन परिस्थिति में जब हम लोग मुगल्स की ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं तो हमको यही दिखाई दे रहा है वी आर सीइंग दिस इन सच अ वे कि मुगल्स को यहाँ पे एंटर करना बहुत मुश्किल था ये यूनाइटेड होते तो फिर से लड़ाई कर सकते थे और फिर से घुस सकते थे उसमें बैरम खान ने बे के ऊपर आरोप लगवाया और बे के ऊपर आरोप लगाया कि इसने ही सब दिल्ली के अंदर बंटाधार किया है ये भाग के आया है पर यह अफगानों का बंदा बन गया है सर है ना अलग अलग प्रकार के एक्विशंस लगवाए तड़ी बेग को मरवा दिया गया बैरम खान की और तड़ी बेग की अलग से ही अलग ही लड़ाई चलती थी सर है ना विद इन द मुगल फैमिली दो नोबल्स के बीच में संघर्ष चल रहा है देखो मुगलों की क्या हालत थी सर ये सेकंड पानीपत की बैकग्राउंड बता रहा हो सर और इन परिस्थितियों में वी विल सी दैट बैरम इज डिफिटिंग बैरम इज़ किलिंग थर्डी बैग और फिर अकबर को सलाह दे रहा है बहुत सारे मुगल ऑफिशियल्स ने और नोबल्स ने अकबर को ये सलाह बताई क्या बताया पता है सर ठीक है ना अकबर को ये बताने की कोशिश की गई कि सर देर इज़ नो पॉइंट ऑफ अटैक अब नाउ द टाइम हैज देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू डेली इट्स बेटर वी कैन कंसोलिडेट दिस रीजन इट्स बेटर वी कैन सेव गार्ड दिस रीजन एंड वी कैन वेट एंड वॉच सर शादी भाषा में अकबर को बोला जाता है कि अब हमको हेकड़ी दिखाने की वो समय नहीं रहा है तर्डी बेग मारा चुका है बैरम ने ही मरवा दिया था बैरम और हम लोग ये पाँच दस लोग अकेले हैं बाकी हमारे पास सेना है हमको इसके अंदर से अपने आप को सर्वाइव करना है सर गेडिंग पॉइंट हो गया अकबर कहता है कि नहीं मैं बहादुरी दिखाऊंगा सर बैरम भी कहता है कि राजा तुम बरोबर डिसीजन ले रहे तुम हो तुम छोटे हो बट आई एक्चुअली सपोर्ट यू एंड आई एब्सोल्युटली सपोर्ट यू फॉर द सेम तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो यू आर नॉट डूंग एनीथिंग रॉन्ग राजा की हिम्मत खुल गई कि देखो बैरम इज सपोर्टिंग मी है ना होता है ना ये कभी कभी कि देखिए बैरम इज सपोर्टिंग मी एन बैरम इज सपोर्टिंग मी तो फिर मैं खुद तूफानी करूंगा सर ठीक है अकबर की हिम्मत खुल गई कि बैरम सपोर्ट कर रहा है मेरे को एंड बैरम इज़ डूइंग गुड फॉर मी डिसाइड किया गया कि हम दिल्ली जाएंगे सर देखिए मुगल्स के पास खुद बचा ही नहीं है सर दिल्ली आगरा घुमा दिए उन्होंने अफ़ान फिर से आ चुके हैं हेमू दिल्ली में बैठा हुआ है आदिल शाह सूरी जो है मोहम्मद आदिल शाह सूरी आप वो देखोगे ईस्टर्न इंडिया में बैठा हुआ है सर ठीक है ना सब कंसोलिडेट करके बैठा हुआ है सब कुछ बकबर छोटा है तेरह चौदह साल की उम्र है सर ठीक है और ये सब लोग करीबन अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए बीस हज़ार की सेना लेके अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास की सेना थी ट्वेंटी के की सोल्जर्स की जो स्ट्रेंथ थी ये बीस हजार की सेना के आसपास लोग इकट्ठे करके दे डिसाइड टू कम टूवर्ड्स डेली ये डिसाइड करते हैं कि हम दिल्ली की तरफ जाएंगे सर ठीक है ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ आपको सर बैरम और ये लोग प्लान भी करते हैं कि हम लोग दिल्ली की तरफ इन्फेक्ट अटैक करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा सर ठीक एक साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए मुगलों की सेना दिल्ली की तरफ आ रही है इसकी जानकारी क्या हेमू को लगी होगी कि नहीं लगी होगी सर इसकी जानकारी हेमू को भी लगी हेमू ने भी ताम जाम इकट्ठा किया एक लाख की सेना खड़ी की कितनी वन लाख सोल्जर्स बोले आण योद सबको आप देखिए कि कहाँ एक लाख सैनिक कहाँ बीस हजार सैनिक ये फर्स्ट पानीपत वाली कहानी है फर्स्ट पानीपत में बाबर के पास बारह हजार सैनिक थे इब्राहिम लोधी हैड स्ट्रेंथ ऑफ वन लैख देन ऑल्सो इब्राहिम लोधी लॉस्ट सेकेंड पानीपत में यही होगा वन स्टोफाइव का रेशियो है हर पाँच अफगान सैनिकों के ऊपर एक मुगल सैनिक था गड़ीमो पॉइंट पंद्रह सौ के आसपास हाथी इकट्ठे किए बोले हाथी तो चाहिए सर है ना भले पहली पानीपत में हमको हाथी ने हराया हम दूसरे पानीपत हाथी से जीतेंगे पिछले क्लास में मैंने आपको हाथी की प्रासंगिकता बताई थी अगर आपको याद होगा है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है पिछले क्लास को देखिएगा क्योंकि इसमें वॉर स्ट्रेटजीज का भी डिस्कशन किया है हमने ये वो क्लास नहीं है कि जहाँ पे मैं खाली और खाली बुक से आपको कोई चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सर है ना बहुत सारी आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द जो क्या कह सकते हैं कि थिंकिंग uh, है उसको भी हम लोग कवर करें वी आर कवरिंग मल्टीपल टॉपिक्स तो बिकॉज वी आर कवरिंग मल्टीपल टॉपिक्स तो हम उन सब के साथ में डिस्कस करेंगे सर ठीक है गेटिंग तो कहानी ये है कि एक साइड के ऊपर एक लाख सोल्जर्स अफगान से इकट्ठे कर रहे हैं दूसरी साइड के ऊपर बीस हज़ार सोल्जर्स ट्वेंटी थाउजेंड सोल्जर्स मुगल्स दिल्ली की तरफ लेके आ रहे हैं हेमू डिसाइड करता है कि मेरी आर्टिलरी मेरे पास जो तोप खाला है सर कैनन से वो आर्टिलरी को दिल्ली के बाहर भेजा जाए सर मेरे जितने भी रिजर्व फोर्सेस के ट्रूप्स हैं उन सबको तैयार करो एंड यू सेंड देम आवर आउटसाइड डेली सर गेडिंग पॉइंट और इस तरह से आप देखिए कि इनके बीच में फिर से जब आप उत्तर भारत में पंजाब की तरफ से आ रहे हो समझे कि नहीं समझे गेडिंग पॉइंट पंजाब की तरफ से आ रहे हो और दिल्ली की तरफ आक्रमण करना हो तो खुला मैदान कहाँ पे मिल रहा था खुला मैदान मिल रहा था पानीपत के अंदर सर और परिस्थिति ने ऐसा जन्म लिया कि पानीपत में ना चाहते हुए भी ये दोनों सेना सामने सामने आके टकराई सर टकराने का मतलब है कि इनिशियली वेट एंड वॉच हुआ फिर टकराते हैं और इन परिस्थितियों में सेकेंड पानीपत की शुरुआत होती है सर पॉइंट यू स्टोरी लाइन पानीपत आज का क्लास का टाइटल है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को समझाने के लिए मुझे आपको पीछे एक घंटा समझाना पड़ा यू कुड द न्यूंसिस ऑफ वॉट आई वॉज डिस्कसिंग और वो तो मैंने खाली आपको टाइमलाइन बताई ही कि क्या हुआ था वॉट हैपन एक हुआ दो हुआ तीन हुआ चार हुआ सर ठीक है नथिंग एल्स खाली और खाली टाइमलाइन बताई थी बाबू टाइमलाइन कैसे हो और कुछ बताया नहीं मैंने आपको आई हैड जस्ट डिस्कस दूसिस ऑफ दैट दिल्ली से ऊपर की तरफ गए पंजाब से नीचे की तरफ आए पानीपत में फिर से वही संघर्ष हुआ तीस साल के बाद सर समय था नवंबर के 1556 का पीरियड शुरुआती दौर थे और पानीपत की लड़ाइयों में दोनों सेनाएं सामने सामने फिर से इकट्ठी हो गई सर गेडिमा पॉइंट एक साइड के ऊपर मुगल्स थे दूसरी साइड के ऊपर आप देखोगे अफगान्स थे अफगान्स की आगेवानी उनकी जो बेसिकली लीड ले रहे थे वो कौन थे हेमू और मुगल्स की तरफ देखोगे तो आपको बहरम दिखेंगे अब आपको ये प्रश्न होना चाहिए वॉट वॉज अकबर डूइंग इन द सेकेंड पानी पथ वाई बैरम है लीड तो बैरम न्यू दैट दे आर गोइंग फॉर अ सुसाइडल पैटन देर इज एवरी पॉसिबिलिटी के दे वॉन्ट रिटर्न अ लाइव और बैरम नहीं चाहता था कि अपने शहनशाह हिंदुस्तान हुमायूं का लड़का जिसको बैरम ने स्पीच दी थी बोली दी थी कि राजा आप चिंता मत करो आपके जाने के बाद भी मैं उसका ध्यान रखूंगा और उसका ऊपर लेके आऊंगा शासन में सर बैरम नहीं चाहता था कि अकबर इतनी यंग एज में आके इस तरह की लड़ाई लड़े और दर इज एवरी पॉसिबिलिटी की ज़िंदा ना बचे तो बैरम ने अकबर को पीछे रखा था और पीछे रखा था अकबर को और कहा था कि बेटा तुम्हारे पीछे एक जेड प्लस सिक्योरिटी कवर देखे जा रहा हो सर एसपीजी कमांडोस कमांडोज की एक टीम खड़ी करी की थी सर पाँच हज़ार सैनिकों की और इन सैनिकों को कहा गया था कि अकबर को घेरा करके रखिएगा बेटा छोटा बच्चा है पर हमारा बादशाह है इसको आगे युद्ध में मत आने देना ये कितना भी जिद करेगा तो और अगर आपको इनडायरेक्टली हिंट मिल रही है कि हमारी कुटाई हो रही है तो डोंट वेट कट लीजिएगा सर कि नहीं समझे कट लीजिएगा यू गो बैक बोले कहाँ बोले ये रास्ता दिख रहा है बोले कौन सा वो जो जा रहा है ना वो हाँ भाई वो रास्ता सीधा काबुल की तरफ जाता है सर गेडी पॉइंट समझे सो व्हाट डू वी सी अकबर वॉस एक्चुअली गिवन अ सेफ पैसेज एंड अकबर को पीछे रखा जा रहा है सर और पीछे रख के आप पकड़ने की कोशिश करोगे काबुल का एक रास्ता दिखा दिया जाता है कि अगर पानीपत में हम पानी पानी हो गए है ना हेम ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गया सर ठीक है बैरम ना सर कि अगर हम पानी पानी हो गए तो आप पीछे के रास्ते से कट लीजिएगा डोंट स्टे बैक इन इंडिया फिर जो ये बचा खुशा आखिर का प्रयास है ना वो भी खत्म हो जाएगा सर ठीक है और इन परिस्थितियों में इनके बीच में संघर्ष होने की शक्यता हुई सर ठीक है पिक्चर क्लियर हुआ ये था सेकेंड पानीपत दोनों की सेनाएं सामने सामने हैं बोथ दी आर्मीज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर सर देर इस एवरी पॉसिबिलिटी कि यह फ्लैरअप हो जाएगा कभी भी फ्लैरअप हो सकता है हेमू ने अपनी आर्टिलरी को आगे रख दिया है हेमू गलती नहीं कर रहा है पिछली बार वाली सर हेमू कह रहा है कि इस बार तोपों को सबसे ऊपर रखूंगा मैं ठीक है यहाँ तंबू बम्बू डाल के बैठे हुए हैं अब आपने ट्रेडिशनल वॉरफेर देखा होगा पहले के पीरियड के अंदर कि लोग कैंपिंग करते थे अपने साथ है ना देस टू ब्रिंग इट कैंपिंग टुगेदर है पीछे पूरी छावनी वावनी होती है सप्लाई रूट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी सर ठीक है यर इन द केस ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बोथ दर्मीज व फेसिंग इच अदर अब इतिहास में कभी कभी ये होता है कि आप अगर पहला स्टेप लेते हो ना द फर्स्ट स्टेप वो कभी कभी विक्ट्री को निर्धारित करते थे गेटिंग ऑफ पहलोगा सर है ना द फर्स्ट वार पहली बार सर है ना सामने सामने आ गए हो हु टेक द लीडरशिप कोई भी विकट परिस्थिति में जब आदमी खड़ा होकर रिवर्ट कर देता है वो लीडर बन जाता है नॉर्मल केसेस में लीडरशिप के ये सिद्धांत है एंड द होल ग्रुप विल फॉलो कि भाई ना ये बंदा गजब है सर है ना इसको फॉलो करो सर ठीक है यहाँ पे अकबर की सेना मतलब बैरम खान की सेना शादी भाषा में अकबर तो पीछे था वो देख रहे हैं कि हेमू ने अपनी यहाँ पे आर्टिलरी को लगाया हुआ है युद्ध के मैदान में सर के पॉइंट यू विल ऑल्सो फाइंड कि हेमू ने यहां पे एक एडवांस गार्ड बिठा के रखा है एडवांस गार्ड का मतलब यह है कि एक सेना की टुकड़ी बिठा के रखी है जो आर्टिलरी के बीच में खड़ी रखे है और वो शायद हमारे ऊपर अटैक करने के लिए खड़ी रखी है सर अब बैरम खान को इस चीज का डर था कि अगर गलती से अफगान्स और हेमू की तरफ से पहला अटैक हुआ तो हम रौन दिए जाएंगे क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा नहीं है

और व्यक्ति अपने जब सर्वाइवल के लिए फाइट करता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए भी वो इनफेक्ट है ना अपना जी जान लगा देगा जिसके लिए उसने पहले कभी सोचा भी ना हो सर। वेन एवर अ पर्सन ट्राइज टू फाइट फॉर इज ओन सर्वाइवल ही विल मेक श्योर दैट ही विल इवेंचुअली फाइट टू नेल फॉर इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ही हैड नेवर थॉट ऑफ और never of. ये होता है सर है ना एवरी टाइम दिस स्पिरिट आई जाती है कि नहीं यार कुछ कर दूंगा बड़ा करूंगा मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं इस बार सो इन द केस ऑफ बैरम बैरम मुगल्स फॉर फाइटिंग फॉर दर्वाइवल अफगान ओपिनियन की हम मुगल्स को रोकेंगे और फिर उसके बाद युद्ध की शुरुआत करेंगे आदमी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा होता है तो उसकी स्ट्रैटेजी भी अलग होती है वो डिफेंसिव नहीं खेलेगा सर वो कहेगा कि लेट अस प्ले ऑफेंसिव क्योंकि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस वो कभी डिफेंसिव नहीं खेलेगा सर वो यही कहेगा कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस जितना ऑफेंस करेंगे उतनी ही डिफेंस के ऊपर ऑटोमेटिकली सामने वाला आ जाएगा मुगलों ने भी ये किया अब हेमू पीछे है हेमू की एक आर्टिलरी की टुकड़ी आगे है उसकी एडवांस गार्ड्स आगे है पानीपत में सब ताम झाम क्रिएट करके रखा हुआ है बैरम कहता है देखो तो सही कि क्या हो रहा है जैसे अकबर ने किया था फर्स्ट पानीपत के समय याद आया आपको वॉट अकबर डिड इन द फर्स्ट पानीपत है ना देर वॉज अ सरप्राइज़ अटैक और उसमें अकबर ने ये आ, मुगल्स को क्या कहते हैं अफगान्स को इंस्टिगेट किया था इफ़ अगर इफ़ अगर आपको पिछले क्लास याद होगा तो इन द प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको ये सरप्राइज़ अटैक के बारे में बताया भी था कि कैसे अकबर है ट्राई टू डन द सरप्राइज अटैक और सरप्राइज अटैक के थ्रू वो काउंटर किया गया था सर है ना कि अकबर कहाँ बाबर सर ठीक है बैरम ने भी डिसाइड किया कि मैं एक सरप्राइज़ अटैक करता हूँ और बैरम ने अपने कुछ घुड़सवारों की फोर्स को यहाँ पे भेज दिया सर फर्स्ट अटैक हाँ फर्स्ट अटैक फर्स्ट अटैक हमेशा सरप्राइज रखिए जीवन के अंदर भी कोई भी अटैक होता है सर लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें दुनिया को कह के नहीं करने की ये जीवन का सिद्धांत है ठान लीजिए सर नेवर टेल एनी वन नेवर रिवील योर प्लान्स टू एनी वन सर इवन वेन इट कम्स टू सर्टन थिंग्स कुछ चीजों के लिए तो खास नेवर एवर यू रिवील योर प्लान की वॉट इज हैपनिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर ठीक है ना बहुत चीजें मैटर करती है एवरी थिंग मैटर्स हियर इन दिस केस यू विल फाइंड बैरम ने सरप्राइज अटैक कर दिया अफगान्स वॉज स्लीपिंग कुड़ अंडरस्टैंड कि क्या हुआ और पहला सरप्राइज अटैक किया अली कुली खान करके एक मुगल सेनापति थे उनको भेज के टुकड़ी और हेमू की आर्टिलरी सदमे में आ गई बोले ये क्या हो गया इतने सारे घोड़े दौड़ा दौड़ी करके बोले आंधी आ रहा है बोले नहीं नहीं मुगल्स आए वेरी मच सरप्राइज टू सी मुगल्स कमिंग अप विद स्विफ्ट फोर्स और आके इन्होंने हेमू की टुकड़ी को तहस नहस कर दिया सर इतना तहस नहस किया इतना तहस नहस किया कि हेमू की आधी से ज्यादा आर्टिलरी हेमू के तोप गोले हेमू की कैनन्स मुग़ल उठा के लेके चले गए सर हेमू को पता ही नहीं चला कि उसकी सबसे बड़ी असेट उसकी एडवांस गार्ड और उसकी आर्टिलरी एडवांस गार्ड तो मारी जाती है इसमें तो बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए उसकी आर्टिलरी जो है वो मुगल्स उठा के चले गए सर आर्टिलरी ऑफ हेमू वॉज टेकन ओवर बाय द मुगल्स मुगल्स को तो सोने पे सुहागा हो गया मुगल्स को तो सोने पे सुहागा हो गया बोले जे बात मौज करा दी आपने तो हेमू के साथ गलती क्या हुई थी पता है हेमू ने मुगल्स को कंप्लीटली बाहर नहीं भेजा था मतलब उसने दिल्ली को कैप्चर किया पर वो फ्लो में फ्लो में अगर उनको भगा दिया होता ना पूरी तरह से जैसे शेर साने ने हमायू को कैसे भगाया था ईरान तक तो हो सकता था कि मुगल्स फिर से हिम्मत ना करें सर पर हेमू ने दिल्ली कैप्चर करने के बाद थोड़ा वो है ना कॉम्प्लेसेंट बन गया था चीज़ों में कॉम्प्लेसेंट बनते हैं ना तो ये चीज़ फिर आपको बहुत भारी पड़ती है तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब है आप थोड़े ठंडे होते हो यू वेट है ना कि चलो यार है ना चलो तो हेमू के साथ भी आपको यही चीज़ मिल रही है इन द केस ऑफ हेमू ऑल्सो वील फाइंड द सेम थिंग ओनली हेमू बिकेम क्वाइट कॉम्प्लेसेंट वो इतना कॉम्प्लेसेंट हो गया चीज़ों को लेके वेयर वी सी हेमू इनफैक्ट अपने आगे की सैनिकों की टुकड़ी को नहीं बचा पाया सैनिक तो मारे गए उसकी सेना का जो शस्त्र उसके जो वेपन्स हुआ करते थे वेपन्स में जो आर्टिलरी हुआ करती थी वो सब मुग़लों के हाथों लग गई सर अब जैसे अभी आपने न्यूज़ में देखोगे तालिबान वाला केस है सर ठीक है ना जहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि तालिबान ने पहले अमरीकी वेपन चुरा के फिर अमरीकन के सामने ही अटैक करते थे जब अमरीका था सर अफगानिस्तान के अंदर सर ठीक है यू तो यहाँ पे भी यही परिस्थिति है kind of समझ में आ रहा है आपको यहां पे भी आपको इसी परिस्थिति दिख रही है वेर वी विल फाइंड कि हेमू हैज लॉस्ट गुड पोर्शन ऑफ इज आर्मी द फ्रंट गार्ड्स जो उसको बचाने वाले थे एडवांस गार्ड्स कहते हैं और उसकी आर्टिलरी मुगल्स के हाथों लग गई हेमू बौखला गया हेमू कहता है ये नहीं चलता है बाकी सारे अफग़ान से बोलता है ऐसा थोड़ी चलता है ये तो चीटिंग है और फाइनली आप देखोगे पाँच नवंबर 1556 के दिन दिस लेड टू दी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एंड ऑन फिफ्थ ऑफ नवंबर 1556 सॉरी द फिफ्थ ऑफ नवम्बर फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स द फाइनल इनकाउंटर टू प्लेस ये फाइनल इनकाउंटर में हेमू बौखला गया हेमू ने कहा कि मैं अटैक करूँगा मेरे पास जो भी है सेना वीना भी, भी दूसरे साइड के ऊपर बैरम और मुगल्स भी कहते हैं कि आ जाओ हम तो आपकी तोपों से ही आपको मारेंगे सर क्योंकि ये तोप तो हमने चुरा ली थी आपसे जब आप सो रहे थे है ना आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए सर के और हेमू ने अटैक कर दिया सर अब हेमू गुस्से में था सख्त रिवेंज में था होता है ना कि यार आपके सोल्जर्स मारे गए आपकी तोप उठा के लेके गए मुगल्स अकबर पीछे बैठे बैठे हाथ पैर कतरा रहा है बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है एक के ऊपर एक कैनन्स को फायर करने का आदेश दिया जा रहा था सर ठीक है हेमू ने इनिशियली हाथियों को दौड़ाया अब हेमू के पास कितने हाथी थे पंद्रह से ज्यादा राजा हेमचंद्र कहते हैं ना उनको ही हैड मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड एलिफेंट्स एट डिस्पोजल उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया बोले धुआं धुआं कर दो दौड़ा सब लोग बैरम को समझ में आया कि यार हाथी जिस तरह से दौड़ रहे हैं ये हाथी हमको रौंद के मारेंगे सर बैरम ने वही चीज अपने आर्टिलरी गनर्स को कहा बोले रिपीट बाबर तो उसके सोल्जर्स बोलते क्या सर बोले पगले रिपीट बाबर बोले क्या सर अबे घाचू गोला मार तोप का और बैरम ने अपनी आर्टिलरी को तैयार किया रिपीट बाबर क्यों क्योंकि बाबर ने 1526 में यही किया था जहां आर्टिलरी यानी कैनन्स का उपयोग करके सामने अफगानों की जो सेना थी उसमें बहुत परेशानी क्रिएट की थी खास करके हाथियों में सर बैरम स्टार्टेड यूजिंग द सेम टेक्निक जो बाबर ने किया था पहले 1526 में फर्स्ट पानीपत में सर एंड द सेम टेक्निक वाज रिपीटेड इन द सेकंड पानीपत आप देखिए हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट सेल्फ अफगान्स आर गेटिंग डिफीटेड बिकॉज ऑफ देयर ओन मिस्टेक्स थमरुल नंबर वन थम्बरुल नंबर वन मेरे साथ आप मुझे पूछोगे ना कि प्रतीक नायक आप ये प्रोजेक्ट लेके बैठे थे इसमें क्यों ढंग से नहीं कर पाए तो मैं तुरंत से ये कहूँगा कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया उसके पीछे का एक कारण यही है कि मैं इंटरनली अपने आप को पहले दोषी मान लेता हूँ सर है ना कि यार मैं कोई बाहर के फोर्सेस के ऊपर ज़्यादा दोष नहीं दूंगा सर है ना आई ऑलवेज गिव द इंटरनल पॉइंट्स बिहाइंड दैट सर गेडिंग हियर इन द केस ऑफ नवंबर 1556 इवेंट दैट टूक प्लेस इन द सेकंड पानीपत इन द सेकेंड पानीपत वी आर सींग सिचुएशन हम एक ऐसी परिस्थिति को देख रहे हैं जहाँ बैरम हेमू के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रही है उसमें बैरम ने आर्टिलरी का यूज़ किया और हेमू वही हाथियों के कारण बौखला जाता है अब हेमू की सेना के पास एलिफेंट्स थे अब आप देखिए ये एलिफेंट्स की जब हम लोग बात करेंगे ये एलिफेंट्स फिर से प्रोवोक हो गए जब आर्टिलरी की फायरिंग होनी शुरू हो गई दूसरी कहानी आप देखोगे आर्टिलरी जो थी वो किसकी थी अफगान्स की आर्टिलरी थी और किसके ऊपर अटैक की जा रही थी अफगान्स के ऊपर तो अफगान्स के साथ ऐसी परिस्थिति थी कि वो अपनी ही कड़वी दवाई का टेस्ट अभी झेल रहे थे सर दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन उन्होंने ये दवाई मुगल्स के लिए क्रिएट की थी ना आर्टिलरी बार्टिलरी लेके आए थे आगे ताम जहाम तो युद्ध का नियम नंबर टू याद रखेगा कि जब परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ आपको लग रहा है कि आप हार का सामना कर रहे हो तो अपना हथियार दुश्मन के हाथ में नहीं आना चाहिए वरना आप ही के हथियार को उठा के आपका दुश्मन आपको और परेशान करेगा सर ठीक है सो इवन व्हेन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन अराइजेज जहाँ आपको लग रहा है कि अब आपको रिट्रीट करना है आप तामझाम उठा के वापस नहीं लेके जा सकते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू डिसम्बल और डिसमेंबर वेपन सो दैट योर एनीमी डज़ नॉट री यूज़ इट अगेंस्ट यू इन द फ्यूचर अमरीका ने अभी किया अफ़ानिस्तान के अंदर से तो अमरीका जब अफ़ग़ानिस्तान से निकला ना तो उसके पास वॉर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स एंड वॉट नॉट हमवीज है ना क्या थे क्या कहते थे अपनी वेपन्स और ये अमरीका उसमें से पचास परसेंट नहीं सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा चीज़ों को बंद करके आया उसके नट बोल्ट टाइट करके खुला करके आ गया और इस तरह से उसको तोड़ के आया कि वो फिर से रिपेयर ही ना हो पाए सर क्योंकि अमेरिका को इस चीज़ का डर है कि देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है जो जो वेपन्स और वो सब वो तालिबान शायद उसके सामने भविष्य में ना करे तालिबान ना तो कोई और कर दे सर आतंकवादी संगठन यहाँ अफगान्स और हेमू की सेनापतियों को यहाँ मार पड़ रही थी पानीपत की लड़ाई में क्योंकि उन्हीं की ही आर्टिलरी उनके सामने यूज़ होने शुरू हो गई थी आर्टिलरी यूज़ हो रही है एलिफेंट्स प्रोवोक हो रहे हैं अब एलिफ़ेंट्स के बारे में तो आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि क्या हुआ था सर एलिफेंट से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है कि नहीं होती है सर एलिफेंट से आपकी मूवमेंट कम होती है कि नहीं होती है सर हेमू अभी भी हाथी के ऊपर बैठ के फाइट कर रहा है सर हेमू इज़ फाइटिंग सिटिंग ऑन एन एलिफेंट सर ये हाथी है सर ये पानीपत के अंदर का हाथी है मन की आंखों से देखिए सर गो पॉइंट ये पानीपत के अंदर का हाथी है और यहाँ पे आप देखोगे तो कुर्सी के ऊपर इनफेक्ट है ना हेमू बैठा हुआ है और हेमू इज टेकिंग द लीड मेरे ऊपर देख रहे हैं ना आपको हाथी ये रहा सर है ना ये रहा हाथी सर ठीक है तो ऐसे हाथी के ऊपर बैठ के हेमू जो है पानीपत में लड़ाई कर रहे है यहां कहीं पे थे मुगल्स को दिख गया कि बोले इनका सेनापति हमारी रडार में है ही इज इन अवर रेंज हेमू नो डाउट हाथियों से रौद कर रहा है बट हम उसको काउंटर कर सकते हैं अगर उसके हाथी को टारगेट करेंगे तो मुगल्स के पास एक्सपर्ट स्नाइपर्स हुआ करते थे उस टाइम पे आर्चर्स कहते थे उनको सर और मुग़लों ने अपने आर्चर्स को तैयार किया बोले ओ आ बोले जी सरदार वो हाथी दिख रहा है बोले कौन सा बोले जहाँ वो कुर्सी के ऊपर है वो बंदा बैठा हुआ है जो बुआ बुम कर रहा है इधर मारो इधर मारो ये करो वो करो बोले हाँ बोले उस हाथी को अटैक करो और हाथी के ऊपर बैठे वाले बंदे का सर फोड़ दो बोले सर मैं तो तीर का चलाता चला तो बोले वही उसके सर के ऊपर तीर लगना चाहिए हेड शॉट बोले जे बात मुगलों ने अपनी आर्चर्स को खड़ा किया और एक आर्चर की एक टुकड़ी बनाई चार पांच सैनिकों के बीच में एक आर्चर को रखा कहा कि तुम्हारा एक ही कार्य है हाथी के ऊपर बैठे हुए उनके सेनापति को मारना वो कौन था हेमू और मुग़लों की ये टेक्निक सार्थक होती है यू विल फाइंड हेमू वॉ सिटिंग एंड अ हाइट युद्ध में आप हाइट पर रहते हो तो आपको एडवांटेज भी है और आपको डिसएडवांटेज भी है एडवांटेज ये है कि आप नीचे से सब कुछ चीज़ें देख सकते हो और अगर आपके पास ऊपर असला बारूद है तो आप कंटिन्यूसली उसको रोल ऑन करके यू कैन एक्चुअली टेक द कंट्रोल एंड यू कैन एक्चुअली टेक इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर बट जब आप अकेले एक हाथी जैसे जानवर के ऊपर बैठे हो जो खुद भी प्रोवोक हो सकता है वहाँ आपके पास डिफेंस की लाइन नहीं है तो नीचे वाला इंसान जब आपके ऊपर टारगेट करेगा तो आपको बचाने के लिए कोई होता नहीं है ना झाड़ी जाकर है सर दर इज़ नो वेजिटेशन और एनी जो आपके लिए बच सकता है सर मुगलों ने आर्चर्स की टीम क्रिएट करके हेमू के ऊपर टारगेट करना शुरू किया ये सब पानीपत में हो रहा है कैडिंग अपॉइंट और हुआ ऐसा कि एक तीर देर वॉज एन हेड जो सीधा हेमू के सर के ऊपर आके लगा आंख में इट वॉज टक ऑन हिज आइज अब सामान्य रूप से आप पकड़ने की कोशिश करिए हेमू की आंख के ऊपर लग रहा है वेन हेड वॉज टक ऑन द आइज ऑफ हेमू हेमू अनकॉन्शियस हो गया उसके हाथी का जो महावत था महावत वॉज द पर्सन जो हाथी चलाता है उसका पायलट कह सकते हैं हाथी का ड्राइवर कह सकते हैं हाथी के महावत को समझ में नहीं आया कि वॉट शुड आई डू माई बॉस इज इंजर्ड हेमू सबकॉन्शियस था हेमू ने कहा कि थोड़ा बाहर लेके चलो पाटापिंडी करके मलम पट्टी करके वापिस आएंगे अफगानों की जो सेना थी उनके सोल्जर्स डिस हो गए क्यों डिस हो गए कि हेमू फील्ड से बाहर चला गया था सोल्जर्स को लग रहा था कि वेरी लीडर हमारा नेता कहाँ चला गया मुगल्स को पता था कि दिस इज द करेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कैप्चर हेमू ही इज टायर्ड ही इज इंजर्ड ही इज नॉट एबल टू सी फ्रॉम वन आई बैरम खान ने आदेश दिया सैनिकों को बोले ओ हाथी से उतरा उसके पहले उसको पकड़ लो अफगान से ऑलरेडी बौखलाए हुए हैं और इन परिस्थिति पे यू विल फाइंड कि हेमू दूर से ही पहचान में आ गया था हेमू को उतारा गया बैरम ने पकड़ा और पकड़ के अकबर के सामने लाया गया वही अकबर के सामने यू विल फाइंड जो अकबर पीछे था सर अफग़ानों की सेना जो थी वो ऑलरेडी डिसट हो चुकी है आधे से ज़्यादा सैनिक मारे चुके थे मारे जा चुके थे कुछ सैनिक तो भाग गए थे मैनी सोल्जर्स वो लेफ्ट आउट बोले भागो 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 वी हैव लॉस्ट एंड देन यू विल सी बैरम खान विदाउट एनी मर्सी एक्चुअली उसकी गर्दन काट देगा सर बैरम खान सी वट हेड ऑफ हेमो बोले ना चाहिए आई डो नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ मर्सी ऑन दिस पर्सन ये व्यक्ति हमारे सामने युद्ध करने आए थे इनके लिए मुझे कोई भी प्रकार की मर्जी नहीं चाहिए सर ठीक है गेडिंग और इन परिस्थितियों में सेकेंड पानीपत की लड़ाई खत्म हुई द सेकेंड पानीपत केम टू तो एन एंड सर लॉस्ट बैरम खान हु फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल वॉन एक हारी हुई, जी... हारी हुई लड़ाई को बैरम खान जीत जाता है क्योंकि नंबरों के दृष्टिकोण से देखा जाए यू विल सी फ्रॉम द न्यूमरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो बैरम की परिस्थिति इतनी खराब थी कि बैरम कुड नॉट हैव ओवर पावर्ड यू कुड तो नॉट हैव डिफीटेड दिस पर्सन बट हियर इन दिस केस इसके केस में जब हम लोग बात करेंगे तो वी आर कमिंग टू अ पॉइंट एंड वी आर कमिंग टू अ कंक्लूजन कि बैरन हारी हुई जो लड़ाई है उसको भी बेसिकली जीत रहा है बाय प्लेइंग स्मार्ट बाय प्लेइंग स्मार्ट का मतलब है कि बैरम ने अपनी जो स्मार्टनेस दिखाई उसके थ्रू वो फाइनली अपने आप को री मोबिलाइज करेगा और ये मोबिलाइज करने के बाद अब बातें आगे चलेगी सर ठीक है वेरी मोमेंट अब समझते हैं आगे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड और देखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में वाई अफगानस लॉस्ट एडी मोर पॉइंट वाई अफगानस लॉस्ट एंड दूसरा प्रश्न क्या आता है वाई मुगल्स जैसे हमने कल पढ़ा था ना बट दिस इज इन रेफरेंस टू सेकेंड पानीपत दूसरे पानीपत की लड़ाई को लेकर मैं बता रहा हूँ सर कब हुई थी नंबर 15 56 के अंदर होती है सर ठीक है व्हाई अफगान्स लॉस्ट एंड व्हाई मुगल वॉन वंस अगेन वी आर गोइंग इट एंड जैसे हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही आज भी चर्चा में लेंगे सर ठीक है तीन चार पांच पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे सर ठीक है ना अफगान के हारने के पीछे का कारण आप समझिए सर उसमें एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है उसमें कहता है कि हेमू हिमसेल्फ वॉज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अब हेमू की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बोली गई है सर तो काफ़ी लोगों ने जब हेमू का इतिहास खराशने तराशने की कोशिश की तो हेमू को आपको काफ़ी एम्बिशियस कैरेक्टर स्टिप दिखने को मिली हेमू वॉज सीन क्वाइट एम्बिशियस इन नेचर ऐसा कहा जाता है कि हेमू जिस तरह से एम्बिशियस था उसके कारण देर वेलसी बिटवीन दी अफगान चीफ बहुत सारे अफ़गान चीफ्स के अंदर आपको जेलसी दिखेगी और वो काफ़ी नाराज़ थे कि एक हिंदू बनिया कम्युनिटी से व्यक्ति हमारा राजा कैसे बन गया सर काइंड ऑफ जनरल बन गया उसकी एम्बीशन्स के अंदर उनको काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा था कि हेमू भविष्य में राजा भी बन सकता है देर इज एवरी पॉसिबिलिटी और तो ऑब्वियस था कि पॉलिटिकल पावर प्ले है तो हेमू को बहुत भारी पड़ रहा है हेमू को ऐसा था कि ही हैज डिफिटेड मुगल्स आउट ऑफ डेली एंड आगरा सो देर इज नो नीड टू कंप्लीटली आउस द मुगल्स आउट ऑफ इंडिया कम्प्लीटली आउस्टिंग का मतलब ये है कि पूरे भारत के बाहर निकाल देना जैसे शेर शाह सूरी ने हुमायूं को निकाला था ईरान तक भेज दिया था बोले इधर चाहिए नहीं इधर देखेगा तो पानी पानी कर दूंगा तेरे को मैं ठीक है हेमू इग्नोर्ड द मुगल थ्रेट आउटसाइड दिल्ली और जब आप कोई चीज़ को लेके कॉम्प्लेसेंट बन जाते हो ग्रांटेड ले, ले लेते हो कि कोई बात नहीं मैंने दिल्ली आगरा से भगाया है तो फिर वो वापिस थोड़ी आएंगे अरे आए भी सही और आपको पराजित भी कर दिया सर मुगल्स अभी भी आउटसाइडर थे मुगल्स वर स्टिल कंसिडर्ड एज एन आउटसाइडर्स एंड देर वॉज एवरी पॉसिबिलिटी कि मुगल्स को भारत में ना टिकने दिया जाता अगर हेमू ने पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज़ करने की कोशिश की होती सर गडीमा पॉइंट आफ्टर ऑक्यूपाइंग डेली एंड आगरा उसको मुगल्स के पीछे ही लगना था पंजाब जाना था पंजाब के ऊपर जाना था और अपटिल द अफगान बॉर्डर पेशावर वाला रीजन के बाहर हेमू चले जाते तो ये परिस्थिति ना आती सर गिमोर हेमू के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो इग्नोरेंट थे थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए थे उनको सपोर्ट के अंदर जेलसी का भी एक सवाल था सर ठीक है काफ़ी लोग लिखते हैं कि एक सेल्फ़ प्राइड में और एक ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जब आप आ जाते हो तो आपको चीजें कुछ अलग ही प्रकार से दिखेगी सर सो वैन यू लिव इन अ सेल्फ प्राइड आइडिया वैन यू लिव इन अ ओवर कॉन्फिडेंट वे सर ठीक है तो यू विल सी दैट हेमू एक ऐसे ही एक शेल के अंदर अपने आप को कन्फाइन कर रहे थे जिनको ये लग रहा था कि वो तो फाने करेंगे सर पर ये कर नहीं पाए सर ही कुड नॉट डू दैट सर ऊपर से आप हेमू की मिलिट्री स्ट्रेटजी देखिए यू सी द मिलिट्री स्ट्रेटजी मिलिट्री स्ट्रेटजी ऑफ हेमू वाज़ व्हाट हेमू ने क्या किया सर आर्टिलरी को फ्रंट में डाल दिया आर्टिलरी को फ्रंट में डाला पर उसकी सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी के लिए आपने कोई प्रोविजंस किए सर तो जब मुगल्स ने पहला सरप्राइज अटैक किया तो सरप्राइज़ अटैक करने के बाद आपकी तोप आपसे छीन के दूसरे दिन आपके सामने उपयोग की जाती है वॉट हैपेंड वॉट हैपेंड योर ओन आर्टिलरी वॉज टेकन अवे फ्रॉम यू देन अगेन यूज्ड अगेंस्ट यू है ना आपकी खुद की दवाई आपको पिलाई गई फिर कहते हो कड़वी लगी है कड़वी लगती है सर इतिहास में कुछ चीज़ें कड़वी लगती हैं ये स्वीकार्य है इट्स एन एक्सेप्टेबल थिंग सर समझ में आ रहा है आपको सो हेमू वॉज क्वाइट एम्बिशियस हेमू हैड टू फेस जेलसी ऑफ अफगान चीफ हेमू कुड नॉट डिफीट द मुगल्स आउटसाइड इंडिया मतलब उनको भगा नहीं पाया ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट ही मिलिट्री स्ट्रेटी में आप देखोगे तो ही हैड सम प्रॉब्लम्स अब ऐसा क्यों था क्योंकि ही डिड नॉट है सपोर्ट ही डिड नाट है सपोर्ट प्रॉब्लम यह हो रहा था कि अफगान नोबिलिटी हमेशा क्लैन बेस रही है और अफ़गान नोबिलिटी जब क्लान बेस्ड रहती है कि अफगान सैनिक जो थे वो उन्हीं को ही मानेंगे जो अपने समुदाय से बिलोंग करते हैं अफगान सैनिक जो थे जो बड़ी मात्रा में सेकेंड पानीपत में फ़ाइट कर रहे थे एट टाइम्स उनकी एलिजेंस और उनकी लॉयल्टी हेमू से कम थी और अपने सेनापति से ज़्यादा थी जो तात्कालीन उनके समुदाय से उनकी क्या कह सकते हैं कि उनके समुदाय उनके कबीले से जुड़ा हुआ था हेमू के साथ ये भी होता है कि हेमू के मृत्यु के बाद कोई सेकंड इन कमांड था ही नहीं था सर सो देर वॉज नो वन टू बेसिकली टेक द लीडरशिप आफ्टर हेमू वॉज स्ल्ड या इवन वेन हेमू वॉज इंजर्ड देर वॉज नो वन देयर टू टेक द लीडरशिप द मोमेंट हेमचंद्र गॉट इंजर्ड यू विल सी दैट और कोई शासक या और कोई लीडर निकल के नहीं है क्योंकि अफघन में यह कंसेप्ट ही नहीं था सोल्जर्स थे वो सोल्जर्स क्लोज निट थे वो मानते थे अपने इमीडिएट छोटे सेनापति मिलिट्री कमांडर को कमांडर को मान लेते थे हाँ भाई यह क्या करना है क्या करना है फिर हेमू के पास जाता था हेमू को वो लग गया वो तीर लग गया अब हेमू को तीर लग गया तो इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द अफगान सोल्जर्स टू मेक श्योर कि भाई वो चीज़ों को आगे कंटिन्यू करे पर वो तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे दैट इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर हेमू ने यूज क्या किया एलिफेंट्स का यूज किया वही एलिफेंट्स जो उसको टारगेट के रूप में बना के आया हेमू ने हाथी का उपयोग किया और इसके कारण तो टारगेट बन गया ना सर हाथी के कारण तो टारगेट बना हाथी का उपयोग ना किया होता तो टारगेट ना बनता सर ठीक है ना तो यू विल फाइंड कि एक ऐसी परिस्थिति का सर्जन हो रहा है जहां मुगल्स इन फैक्ट फिर से वही तुलगुमा की टेक्निक बैरम खान अगर आप देखने की कोशिश करिए और मुगल्स ये जीतते हैं उसके पीछे का कारण क्या है बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल एंड वी यू आर फाइटिंग फॉर सरवाइवल इट विल बी एब्सल्यूटली क्लियर कि जीतने वाला बंदा ये होगा सर इसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत ही स्मार्ट थी मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बाबर को बताया था और स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आर्टिलरी का उपयोग करना और वो भी अफगानों की आर्टिलरी उनसे ही छीन के करना बड़ी बात है सर ठीक है यू विल फाइंड की तुल गुमा की टेक्निक अब मुगल सीख चुके हैं कि कैसे एनसर्कलिंग करना है सर ठीक है मुगल्स के पास जो आर्चर्स हुआ करते थे उसकी टेक्निक और अल्टीमेटली एक्सपीरियंस भी बहुत था सर है ना कंटीन्यूसली लड़ाई में थे सर कंटिन्यूसली बाबर बाबर हमायूं हमायूं आप देखो गवर्नर था बड़क्शन का पहले बैरम खान उसके साथ जुड़ा हुआ था तब से बैरम खान छिया था तो यू विल फाइंड कि एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई जहां इंडो अफ़गान फोर्सेस इंडो अफ़गान फोर्सेस क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया के स्थानिक राजा और अफगान्स इन दोनों के फोर्सेस की कमर तोड़ दी जाती है 1556 में जो घटना बनी उसके बाद मुगल एम्पायर परमानेंट हो गया भारत में क्या होता है इन 1556, फिफ्टी सिक्स वैन दी बैटल ऑफ पानीपत विल टेक प्लेस द मुगल एम्पायर गॉट परमानेंसी ये सेकेंड पानीपत के बाद आप पकड़ने की कोशिश करोगे पहले बैरम खान रूल करेगा और 1560 में अकबर उनसे सत्ता लेके बोलेगा कि खान बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ मैं तब छोटा था जब आपने मेरे को शासन दिया था क्योंकि मेरा बर्थ 1542 में हुआ था अब मैं 18 ईयर का हो गया हूँ मेरे पास अब लाइसेंस वाइसेंस सब आ गया है सर तो अब मुझे शासन करने दो और 1560 के बाद अकबर ने शासन शुरू किया अकबर ने रिफॉर्म्स किए और करीबन 200 साल तक फॉर 200 हंड्रेड ईयर्स पानीपत की नाम की जो जगह है वहाँ पे कोई ऐसे युद्ध नहीं मिलते हैं भारत के और विस्तारों में युद्ध मिलेंगे विल फाइंड द बैटल्स विल टेक प्लेस इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री पर पानीपत में नहीं मिलेगा अगेन 1761 में मुगलों का साम्राज्य इस पीरियड तक बहुत कमज़ोर हो चुका है एंड यू विल फाइंड कि अकबर अकबर इस 1556 टू 1605 अकबर के बाद जहांगीर जहांगीर इस 1605 टू 27 जहांगीर के बाद शाहजहां Getting a point is 1605, 1628 to 1658, and then you will find Aurangzeb. is 1707, uh, sorry, 1658 to 1707. You will see by the period of Aurangzeb, the Mughal Empire had expanded. और अफ़गानिस्तान से जो तो थ्रेट था वो ख़त्म हो चुका था कि अब कोई आने वाला कोई था ही नहीं देर वॉज नो वन टू एंटर फ्रॉम अफ़गानिस्तान 1707 के बाद औरंगज़ेब के बाद जो लोग पावर के ऊपर है उनको कहते हैं लेटर मुगल्स और लेटर मुगल्स तक आते आते ये बहुत कमज़ोर थे इनकी कमजोरीत का फ़ायदा मराठा सबसे ज़्यादा उठाते हैं क्योंकि विल फाइंड बाय द पीरियड ऑफ औरंगजेब एंड शाहजहां द ऑलरेडी कैप्चर्ड पावर दिल्ली वाला रीजन और दिल्ली से उत्तर पश्चिम का जो रीजन है वो बेसिकली और लोगों के हाथ में आया था इट हैड ऑलरेडी बिन अंडर दी अफगान कंट्रोल वन मोर टाइम मराठास इतने डोमिनेट कर रहे थे इस पीरियड में कि जो मराठास पहले महाराष्ट्र सेंट्रल इंडिया गुजरात कर्नाटका वाले रीजन में फैले हुए थे ये मराठास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह फैल चुके 1707 के बाद जो लेटर मुगल्स पावर में आए ये लेटर मुगल्स में 1761 तक आते आते इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि इन्होंने अपनी सत्ता जो है वो मराठास को दे दी थी राजा तो थे मुग़ल साम्राज्य के द किंग वॉज स्टिल एग्जिस्टिंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी बट होल पावर वॉज गिवन टू द मराठास द मराठास बिकेम सो पावरफुल तो एक एक राजा दिखेंगे शाह आलम द सेकेंड बट शाह आलम द सेकंड वॉज नॉट दैट मच प्रोमिनेंट एंड पावरफुल द होल पावर हैड बिन गिवन टू द मराठास और इस पीरियड में मराठा पेशवा थे यूल फाइंड विश्वास राव और विश्वास राव प्रिसाइसली आप समझने की कोशिश करिए यह माधवराव पेशवा हुआ करते थे सर ठीक है एंड देन यूल फाइंड की माधव राव का हम बालाजी बाजीवराव हुआ करते थे सर ठीक है ना केड़ी मॉइंट नाना साहेब कहते हैं उनको एंड उसके बाद से उन्होंने अपने संतान को विश्वास राव को भेजा सदाशिवराव को भेजा कि यू गो ओवर देर है एंड अब दिल्ली को सिक्योर करिए उस टाइम पे ऑलरेडी अफ़ग़ान्स फिर से प्रोमिनेंट हो चुके हैं वही अफगान्स जो पहले भारत में लेके मुगल्स को हरा रहे थे अब यही अफगान्स अफ़गानिस्तान में फिर से सक्रिय हुए हैं और इनमें एक अहमद शाह अब्दली करके एक लेता था ये अहमद शाह अब्दली कहता है कि मैं दिल्ली के ऊपर फिर अटैक करूँगा क्योंकि मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके द्वारा आप देखोगे मराठास और अफगानस के बीच में तीसरी लड़ाई हुई इसी को ही हम लोग कहते हैं द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में होती है अब इसके कारण क्या थे इसके पीछे के फैक्टर्स क्या थे ये कैसे हुआ उसको कल के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे होपफुली आपको सेकेंड पानीपत की कहानी समझ में आई सर ठीक है इस प्रकार की अगर आप इंटरेस्टिंग और भी इवेंट्स जानना चाहते हैं और हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे प्लस कोर्स के अंदर जुड़िए आई हैव ऑलरेडी लॉन्च अ कॉम्प्रीहसिव कोर्स ऑन एंशंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री डेली मेरे दो घंटे के क्लास होते हैं सिक्स थर्टी टू एट थर्टी इट्स अ लाइव बैच वेर यू कैन आस्क मी अ डाउट यू कैन एक्चुअली रेज योर हैंड आप मुझे संवाद कर सकते हो मेरे साथ हर एक प्रकार की चीज़ें आपको अलाउड है सर ठीक है यहाँ यूट्यूब के ऊपर कभी कभी ऐसा होगा कि हम आपके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे पर वहाँ प्लस कार्स में हम आपके साथ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लीजिए एक साल का मिनिमम यूज दिस कोड पी एन लाइव ज्वाइनर फॉर दी न्यू बैचेज दैट वी आर लॉन्चिंग ऑन ट्वेंटी नाइन ऑफ दिसंबर वी आर गॉट वन ईयर टू ईयर बचेज ऑफ एक्सपिडिशन एक्सपीडिशन और मिशन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सर है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी है उसके भी ज्वाइन कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म आई आल सी इन द नेक्स्ट क्लास टिल दैन कीप स्टडिंग ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद